क्या जानते हैं आगे तक वो मुझसे खा पा वो अच्छा है तो वो किसे बोल मतलब हम राजे
हेलो सर, आप कैमरा के फेस टू फेस हो तो अच्छा रहेगा। मतलब आधा कट जी जा रहा है आधा, और बोल रहे हैं कि कैमरा के फेस टू फेस होंगे तो अच्छा रहेगा। ओके ठीक ठाक रहा ना। हाँ अब ठीक ओके ठीक अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज क्लियर आ रही है ना? जी, आप कमरा लॉक कर दिया करें ताकि आवाज थोड़ा सा गुन अच्छा रहे। आज सही है आवाज। स्लो है। आप हमारे जो टॉपिक है ना, इंशाल्लाह शुरू कर देंगे अभी, ठीक है ना? हम तो बोल चुके थे पहले भी और बेसिस भी कर चुके थे पहले, ठीक है ना? और ये करके हम स्टार्ट करेंगे, जी सर जी। कंप्लीट हो जाइए, इंशाल्लाह भी स्टार्ट करते हैं। सर कितना देर और इंतजार करेंगे? और 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। ओके सर। सर एक चीज पूछना था, हाँ बोलिए। ये पीएचडी कितने साल का होता है? 3 साल में आप जमा कर सकते हैं, ठीक है ना? जेडू में टॉपिक पास होते होते 1 साल लग जाता है। 1 साल का कोर्स और होता है, 2 साल ऐसे ही हो जाए और 1 साल में लिख सकते हो तो लिख सकते। तो सही से समझा नहीं, 1 साल में कंप्लीट हो जाता है ये फरमाया आपने? नहीं, 1 साल कोर्स और होता है, ठीक है? रिसर्च पढ़ाने के जो मेथोडोलॉजी होता है ना, वो पढ़ाया जाता है 1 साल, ठीक है ना? और उसके बाद और 1 साल हमारे जेएनयू में क्या होता है, टॉपिक पास होने में लगभग 1 साल लग जाता है। जिस टॉपिक पर पीएचडी करना चाहते हैं ना, उसको पास होने में एडमिन तक जाते जाते लगभग 1 साल लग जाता है। तो 1-2 साल हो गया और बाद बाकी आपके जो टाइम रहता है उसमें जितने जल्दी जमा कर सकते हैं वो आपके ऊपर।
अच्छा ठीक है भाई, हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, ठीक है ना? ओके आप लोग म्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंस बुक्स है उसको पढ़ रहे थे, हाँ, और 9वें नंबर पर हम लोग पहुंच चुके थे, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, मेरा एक आइडिया था जो जो यूनिट बहुत कम है ना उसको पहले कर लेते हैं, और पहले करने की वजह से थोड़ा हिम्मत बढ़ जाती है। जहाँ हमने इतने यूनिट कर लिए हैं तो बिल्कुल उसमें थोड़ा सा हमको भी हिम्मत होती है, और दिल में एक जज्बा होता है जहाँ हम इतने यूनिट कर चुके हैं, हाँ, कम्प्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद फिर हमको जो मिलता है ना, मतलब 4-5-6 जब हो जाता है तो करार 3 यूनिट बाकी है, उसके बाद फिर आप लपेट लेते हैं पूरा, ठीक है ना? तो उसी तरह आप लोग को भी उस तरह पढ़ाएंगे, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट बुक्स आज खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर इत्तेजाहत वाला है ना, वहां से भी सवाल देते हैं, तो उस इस तरह सवाल देते हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह कम्प्लीट कर लेंगे आज, ठीक है? अच्छा, तो कल हम लोग पहुंचे थे खसाइस तक। खसाइस, किताबुल खसाइस, ये इब्ने जिन्नी की किताब है, ठीक है ना? ये इब्ने जिन्नी की किताब है। उसका असल नाम जो आपको बोले थे, पूरा नाम क्या है, अबुल फतह उस्मान बिन जिन्नी, ठीक है? अबुल फतह उस्मान बिन जिन्नी, ये कहाँ पैदा हुए थे? मोसुल में, और बगदाद में उसका इंतकाल हो गया था, ठीक है ना? इतना तो हमको याद रखना ही चाहिए। कभी कभी उसका नाम पूछते हैं, कभी उसका खसाइस के मौजू के बारे में पूछते हैं, हाँ, तो खसाइस कल ही बोल दिया था, किसके बारे में है, लगात के बारे में है, ठीक है ना? तो उसको भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसमें दो अज्जा है, दो जूज है इस किताब में, कितने हैं? दो जूज है। पहला जूज में क्या है और दूसरा जूज में क्या है, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, इसलिए कि इसमें अक्सर सवाल इस तरह देते हैं, ठीक है ना? तो जूज अव्वल में क्या है, वह अरदा मिन उसूलिल लुगा। उसूलिल लुगा क्या है? अल कियास है, व इस्तिहसान है, व इलाल, व हकीका, व मजाज, व तकदीम, व ताखीर, व उसूल। इसमें है, इसमें क्या है, उसूलिल लुगा है, लुगत के जो उसूल है ना उसको जिक्र किया गया है। उसूल लगा क्या क्या है, क्यास है, इस्तेहसान है, इलल है, हकीका है, मजाज है, तकदीम है, ताखिर है, उसूल है। और उसी में से एक है, अब जब गूगल सर्च करेंगे तो उसमें है, ये बहसफी उसूल इन्नहु अला मदहर उसूल कलाम वल फिक्र, वो के एक ही जुज अव्वल की बात हो रही है। यह बहस हो, उसमें बहस की जाती है क्या, किसमें, फी उसूल इन्नहु, नाहू के जो उसूल होते हैं ना उसके बारे में बात करते हैं। अलामत है उसूल कलाम और फिक्र, जिस तरह के कलाम, उसूल कलाम ये लोग और फिक्र लोग जिस तरह बहस करते हैं, उसी तरह वो खुद इस तरह इसमें बहस करते हैं, ठीक है? तो इसमें एक चीज याद रख दीजिएगा, जो मेन कीवर्ड है ना, उसूल लगा, उसूल लगा, उसूल लगा, हाँ, और वो जो है ना दूसरे वाला जो आएगा तो हम इंशाल्लाह बता देंगे, मजहर वाला, ठीक है ना? मुझे अलजुजुल अव्वल में क्या है, जुजुल अव्वल में उसूल लुगा के बारे में है। उसूल लुगा क्या है, कियास है, इस्तेहसान है, इलाल है, हकीका है, मजाज है, तकदीम है, व ताखीर है, ये सब के बारे में है, ठीक है? अलजुजुल सानी, और दूसरे जुज में, और दूसरे जुज में क्या है, इसमें बहुत आसान है। दूसरे जुज में क्या है, यश्तमिलु अला अहकाम हुरूफिल मुअज्जम वस्सौत वल मखारिज। इसमें क्या है, हुरूफ मुअज्जम के जो अहकाम है उसमें शामिल है, और क्या है, कुछ आवाज है, कुछ मखारिज है, कुछ मखारिज को जिक्र किया गया है, कुछ साउंड को जिक्र किया गया है, और कुछ हुरूफ मुअज्जम के एतबार से, जिस तरह हम डिक्शनरी देखते हैं ना, अलिफ बा ता था जिम हा, उसी तरह हिसाब से इसमें इसमें तरतीब दिया है। तो दूसरे सानी में इस तरह है, यश्तमिलु अला अहकामिल हुरूफिल मुअज्जम वस्सौत वल मखारिज, ये चीज हमको याद रखना ही है, ठीक है ना? और एक चीज इसे पूछा जाता है, कभी कभी इस तरह पूछ लेते हैं, यहाँ ये मुतनबी का बहुत बड़ा फैन था, मुतनबी का बहुत बड़ा फैन था, तो गोया के इब्ने जिन्नी किसका दोस्त था, मुतनबी का दोस्त, वकान सादिकन लिल मुतनबी, वकान सादिकन लिल मुतनबी। और मुतनबी के कब मुलाकात हुई मुतनबी से, तो कहा हादा मा इदा लतिया मा अल मुतनबी फी हलब इन द सैफ दौला। तो ये बोल रहे हैं, मुतनबी के साथ मुलाकात हुई जब वो हलम में था, यानी मुतनबी जब सैफुद्दौला के पास था तब इब्ने जिन्नी के साथ मुलाकात हुई। तो यहाँ एक सवाल उठा सकता है, जब कहाँ मुलाकात हुई, तो हलम में,
हलब कहाँ है, सूर्य में है, सूर्य कहाँ है, शाम में है, शाम कहाँ है, तो अब पूरे जो बशरुल असद वाला जो अभी चल रहा है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जब सैफुद्दौला की हुकूमत थी और वहां पर वो दरबारी शायर था तब उसकी मुलाकात हुई, तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, और इसके बारे में है, इसके थोड़ा सा वकान अबू हु ममलुकन रूमियन, इसका बाप जो है ना रूमी था, तो रूमी में से बहुत सारे आदमी है, है ना, एक तो इब्न रूमी है और एक इब्न रूमी है, ठीक है ना। अरे इब्न रशीद कैरवान के बारे में भी, उसके बारे में भी आया है इब्न रूमी, तो इब्न रूमी के जो कैक है ना उसको भी याद कर लीजिएगा। फिर वकान अबू हु ममलुकन रूमियन, ठीक है, वकान अबू हु ममलुकन रूमियन, कैक ये रूमी है। तो नसरानी कौन कौन है वो भी याद रख दीजिएगा, रूमी कौन कौन है वो भी याद रख दीजिएगा, ठीक है ना, ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद उसके मौजू हो गया, उसके दोस्त हो गया, उसके दोस्त के साथ कहाँ मुलाकात हुई, उसके बाद अब आते हैं उसके कुछ किताबें हैं, ठीक है ना, कुछ किताबें हैं उसको याद रखना पड़ेगा आपको। क्या क्या किताबें हैं, सिर्रु सनाअ फिन नहु, सिर्रु सनाअ, सिर्रु सनाअ एक किताब है और नहु में है, ठीक है ना, उसको याद कर लीजिएगा। एक किताब है मुख्तसरुल कवाफी, मुख्तसरुल कवाफी, मुख्तसरुल कवाफी, और एक किताब क्या है, किताबुल अरूज, किताबुल अरूज, किताबुल अरूज, और एक किताब है अल अल्फाज अल महमूजा, अल अल्फाज अल महमूजा, अल अल्फाज अल महमूमा अल महमूजा, और एक किताब है अस्सिमाम, अस्सिमाम। वो एक पांच किताब को आपको याद रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बुक्स क्या है, पांच है, सिर्फ सना फिर नहु में है, मुख्तसर कवाफी है, किताबुल अरूज है, अस्सिमाम है, अल अल्फाज अल महमूजा है, ये पांच किताब आपको याद रखनी है। और उसका दोस्त कौन है, उसका बाबी बाप क्या था, उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दसवें नंबर पर जो आते हैं वो दसवें नंबर पर मुअज्जमुल अदबा याकूत अल हमवी, ठीक है ना, याकूत अल हमवी के बारे में भी कल बोले थे, जो कहाँ हमत में पैदा हुए थे और हलब में उसका इंतकाल हो गया था, तो उसके मौजू के बारे में पढ़े थे, क्या है मुअज्जमुल अदबा और वाफियतुल आयान, ये दोनों तराजिम है, ऑटोबायोग्राफी में है, और उसमें ज्यादा जोर दिया क्या सन पैदाइश और वफात पर, ठीक है ना। आवाज थोड़ी सी कट गई थी अभी, हाँ अभी थोड़ा सा मैं ये असल में ये एडमिट अभी सब ज्वाइन कर रहे हैं, पहले इतनी बार बोला प्लीज ज्वाइन कीजिए अपने टाइम पर, तब भी इस तरह करते हैं, इसलिए थोड़ा साइलेंट हो गया था, तो एडमिट करा देता हूं, ज्वाइन करा देता हूं। सर कल से 9 बजे ज्वाइन होने बोल दीजिए, 9:30 बजे ज्वाइन होंगे, उसके बाद फिर 8:30 बोलना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो मुअज्जमुल अदबा, तो मुअज्जमुल अदबा के बारे में बोल रहे थे, तो मुअज्जमुल अदबा, तो मुअज्जमुल अदबा ये तराजिम में है, कल ही बोले थे कहाँ पैदा हुए ये भी बोला था, क्या है उसका सब बोले थे। तो इसमें एक चीज याद रख दीजिएगा, किताब के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, तो किताब के बारे में थोड़ा हमको याद करना चाहिए, क्या है इसमें, इसमें जो है ना 800 कातिब शोरा मुअल्लिफ मुसन्निफ, इसके सवाने हयात के, उसके पैदाइश वफात और उसके मरने के, उसकी किताब, 2-3 चीज के बारे में इसमें बहस किए हैं, ठीक है ना। तो इसमें कितने हैं, गोए के 800 लोगों के बारे में इसमें बयान है, ठीक है ना। तस्तमिल नुस्खतुल मतबूआ मिनहु जोहा समानियता समानुमिया, इस तरह करके हैं, गोए के 800 अदीब शोरा कातिब मुसन्निफिन और बड़े बड़े जो कातिब है, बड़े बड़े जो मुसन्निफ है, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो ये चीज इसको हमको याद करना है। और एक चीज पूछा जाता है, ये मुअज्जमुल अदबा, मुअज्जमुल अदबा है ना, इसका दूसरा एक नाम भी है, इरशादुल अरीब इला मारिफतुल अदीब, इरशादुल अरीब इला मारिफतुल अदीब, इरशादुल अरीब इला मारिफतुल अदीब, इसको भी याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ चीजें हैं आपको याद रखना पड़ेगा, बोल रहे हैं इसमें जो है ना, जो 800 मुसन्निफीन और शुअरा हजरत को बयान किए हैं और बड़े बड़े कातिब को बयान किए हैं, उनमें से इसने 33 तबकों में उसमें तकसीम किया है, कितने तकसीम है,
33 तबका में इसको तकसीम कर दिया है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कितने तबके, कौन ऐसी किताब है जिसको 33 तबका में तकसीम किया है, तो आपको ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गई बात। उसके बाद यहाँ भी पहले जब बोला ना इब्ने जिन्नी के बाप है वक्या ना अबू को रूमियन, उसी तरह या खुद अलहमूबी ये खुद रूमी था। तो कभी कभी इस तरह है वह इन सब इला रूमी फारसी और दूसरी तरह यूनानी और कुछ दे देते हैं, तो ये असल क्या है रूमी है, रूमी की तरफ इसकी निस्बत की जाती है। तो ये चीज याद रख दीजिएगा, याकूत अलहमूबी क्या कौन है, ये असल ये रूमी है, रूमी की तरफ निस्बत है। ये बंदा क्या जानते हैं, छोटे में इसको बाजार में बेच दिया था, ठीक है, बाजार में इसको बेच दिया था और इसकी वजह से ये बहुत मूर्ख घूमे हैं, ठीक है ना। तो उसको भी याद रखते हैं कौन ऐसा बंदा है ये इसमें से, मतलब इस इम्पोर्टेंट बुक्स में से जिसको छोटे में बाजार में बेच दिया था, ठीक है ना। तो उसको भी याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में और भी कॉल है। ये बंदा क्या करते थे जानते हैं, ये बंदा दीन में ऐसे ही सब तिजारत करते थे, दीन में तिजारत का काम करते थे, इधर उधर डालते थे और बेचा करते थे। उसके बाद रात में एक झोपड़ी बना लिया था, वहां पर वो बहुत पढ़ते थे और इल्म हासिल करते थे। इस तरह का हमारे कितने सहूलियतें हैं अभी, इतने तो माने क्या कहे तहसीलात हैं हमारे, कितने हमारे लिए कितने सहूलियतें मुहैया है, तब भी हम लोग सही से पढ़ नहीं रहे हैं। और उस वक्त देखिए एक झोपड़ी बना लिए थे पढ़ने के लिए, तो इस तरह होता था शौक, पढ़ने का क्या शौक होता है, इसी तरह उसने झोपड़ी बना लिया था, उसमें वो लुगात पढ़ते थे, अदब पढ़ते थे, तारीख पढ़ते थे, शेर पढ़ते थे और खुद के लिए वो नज्म भी लिखते थे। ये है उसका उसके बारे में एक और है, ठीक है ना। तो इसकी जो किताब है ना मशहूर किताब मुअज्जमुल बुलदान, देखिए मुअज्जमुल बुलदान एक मशहूर किताब क्या है, मुअज्जमुल बुलदान। दूसरे की क्या है मुअज्जमुल उदबा, मुअज्जमुल उदबा अल मुक्तदब फिन नसब, इसकी एक किताब है मुक्तदब फिन नसब। और एक किताब है क्या है किताबुल कामिल, किताबुल कामिल किसकी है मुबर्रिद की है, उसका भी एक मुक्तदब है लेकिन वो मुक्तदब फिन नहु, मुक्तदब फिन नहु, मुक्तदब फिन नहु। और ये क्या है मुक्तदब फिन नसब, मुक्तदब फिन नसब, थोड़ा सा फर्क है, अगर थोड़ा सा अगर फर्क नहीं याद करेंगे तो आप गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मुक्तदब फिर नसब है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक मुअज्जमुल बुलदान, एक है मुअज्जमुल उदबा, हाँ, और एक है मुअज्जमुश शुअरा, इसके तीन चीज को मुअज्जम 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 करके है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक है मुक्तदब जो किताब कामिल के से जो मुबर्रिद की जो किताब है मुक्तदब उससे मिलता जुलता है, तो उसको थोड़ा अलग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अल मुक्तदब फिर नसब, ठीक है, और एक है मुअज्जमुश शुअरा। और एक किताब आता है बहुत ज्यादा किताबुद्दुअल, किताबुद्दुअल भी बहुत ज्यादा सवाल में आता है और कभी कभी जेएनयू वाले भी पूछे हैं इसके बारे में, किताबुद्दुअल मनकतबा, ठीक है, मनकतबा किताबुद्दुअल, ठीक है, मनकतब किताबुद्दुअल, तो दुअल के बारे में भी इसकी किताब है, तो उसको भी याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। और इसने भी बहुत मुल्क सफर किए हैं, ठीक है, तो थोड़ा आप लिख लीजिए साफरा इला फारिस, साफरा इला फारिस व शाम व हमद व हलब व निशाबुर व हरात व मुरु, सात जगह पर उसने क्या किया सफर किए हैं। तो ये दे सकते हैं कौन सी जगह में सफर किए हैं और कौन सी नहीं किए हैं, उनमें से चार उठा लिया और उनमें से बोल दे एक जगह नहीं उनमें से, तो उस तरह भी दे सकते हैं। तो आप इस तरह का याद कर लीजिएगा साफरा, हाँ साफरा इला फारिस व शाम व हमद व हलब व निशाबुर व हरात व मुरु, ये सात जगह आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो किताब है मुअज्जमुल उदबा, मुअज्जमुश शुअरा, मुअज्जमुल बुलदान और क्या है अल मुक्तदब और किताबुद्दुअल, ये किताब आपको याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं 11वें नंबर पर, 11वें नंबर पर वाफियतुल आयान, वाफियतुल आयान इब्न खलकान, आप तो जानते हैं उसका नाम भी बता दिए हैं कल और उसका जो उसका किताब का मौजू तराजम वो भी बता दिए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं, हाँ थोड़ा सा इस किताब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इस किताब में क्या है, उस किताब में जो मुअज्जमुल उदबा में 800 मुसन्निफीन व मशहूर शोरा और उदबा के बारे में था, और इसमें क्या था 850, इसमें 850 अदीब शोरा कातिब और मुसन्निफीन और बहुत बड़े बड़े जो आलिम थे मुसन्निफीन थे उसके बारे में बयान किया गया है। कितने हैं 850 और एक रवायत में उखरा, दूसरी रवायत में है
दूसरे रिवायत में है 865 और 850, तो दोनों चीज को याद रख दीजिएगा। अगर जिस तरह सवाल आएगा आप उस तरह लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रख दीजिएगा, तो इसकी किताब में क्या है, तो इस किताब में बयान किया गया है 850 मुसन्निफीन शुअरा और अदीब उदबा और ये सब के बारे में इसमें बयान किया गया है, तो इसको याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। और इस किताब के बारे में और भी आया है, क्या है, قد ادرج ابن خلدون في بعض تراجمه تاريخ السفاريون وتاريخ دولة السلاجقة وتاريخ دولة العبيدية وتاريخ دولة الأيوبية, वो एक अय्यूबी हुकूमत की भी बयान किया है, सलाजिका के बारे में बयान किया है और सफारियों के बारे में, सफारियों के बारे में बयान किया है, वो एक किताब में इस तरह करके बयान है। और इसमें खुलाफा सहाबा के बारे में भी बयान है, लेकिन सहाबा के बारे में बहुत कम जिक्र है, मैंने सहाबा और ताबीन का जिक्र है ना वो बहुत कम आया है, तो उससे डिफरेंस थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें सहाबा के बारे में जिक्र आया है, इसमें सलाजिकी के बारे में जिक्र आया है और उसमें नहीं आया था, तो वो चीज इसको आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वाफियतुल आयान, वाफियतुल आयान एक इसकी किताब है, इब्न खलदुन की एक, इब्न खलकन की एक किताब है, अल कमाल फी तारिक, अल कमाल फी तारिक, एक ही किताब हम मुझे मिला था, हाँ, तो अल कमाल फी तारिक, अल कमाल फी तारिक। और इसने 10 साल तक शाम में, शाम मुल्क शाम में इसने काजी का काम किया, कुजात, हाँ, काजी अल कुजात, यानी काजी जो होता ना है वो काजी का काम इसने किया था। तो कितने साल किया शाम में, 10 साल तक किया था, और मिस्र में, मिस्र में 7 साल तक इसने काजी का काम किया था, तो इसको भी याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें मिस्र में कितने दिन काम किया था, 7 साल तक काजी का काम किया था, और शाम में कितने काम किया था, 10 साल तक का काम किया था। और इसके जो निस्बत होता है ना इब्न खलकन का, तो इसके निस्बत बरामका की तरफ किए जाते हैं, तो ऐन इंतसब इला इला इब्न खलदुन, तो इब्न खलकन, इब्न खलकन किस तरह निस्बत की जाती है, तो निस्बतन इला अल बरामका, अल बरामका, तो अल बरामका को याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद करना है, तो इसके एक ही किताब है और इस किताब के बारे में बोल दिया है कि इसमें शोरा मुसन्निफीन और बड़े बड़े कातिब और जितने हैं उसमें से 850 का जिक्र है, 850 का जिक्र है, और फिर रिवायत में उखरा दूसरे रिवायत में है 165, तो इसको याद रख दीजिएगा। इसमें सलाजिक का जिक्र है, इसमें बड़े बड़े बादशाह का जिक्र है, और इसमें बड़े बड़े उमरा का जिक्र है, इसमें बड़े बड़े शोरा का जिक्र है, इसको भी आप याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। और वो जो बताया 10 साल तक कहाँ अपने काजी अल कुदरत का काम किया था और कहाँ 7 साल तक किया था, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं 12वें नंबर पर। 12वें नंबर पर हम लोग पढ़े थे इब्न खलदुन, ठीक है ना, मुकद्दमे इब्न खलदुन जो है ना, मुकद्दमे इब्न खलदुन, तो मुकद्दमा इब्न खलदुन से एक तो सवाल देता ही है, चाहे उसके दादा के नाम पर भी देते हैं, कभी तो उसके नाम पर देते हैं, कभी तो उसकी किताब के बारे में देते हैं, कभी तो उसके इस तरह देते हैं उसके कितने अज्जा पर रहें, और कभी कभी देता है जो उसका पूरा नाम क्या है, इस तरह तो देता ही एक सवाल, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो बोला जाता है ना, तो उसके बारे में तो बोल दिया जो उसका नाम क्या है, और इस किताब का जो मौजू है ना इल्म तारीख, इल्म तारीख में इससे बड़ा फलसफी कभी मैंने अभी तक नहीं हुआ है, गोया के तारीख में बहुत बड़ा मशहूर ये था, ठीक है ना, इब्ने खलदुन। इब्ने खलदुन का नाम आप बड़े बड़े जो है ना ज्योग्राफियन से पूछेंगे तब भी वो बोल देंगे, बड़े बड़े आप क्या कहेंगे, जितने जो ये है ना सोशोलॉजी है ना, तो आप पूछेंगे ना तो सब बोल देंगे इब्ने खलदुन के बारे में, हाँ अब इब्ने खलदुन ये है, ये है, ठीक है ना। तो सर इब्ने खलदुन को पढ़ रहे हैं इब्ने खलकन को, इब्ने खलदुन, इब्ने खलकन तो हो गए भाई, अच्छा इब्न खलदुन, ठीक है। इब्न खलदुन इल्म तारीख में बहुत मशहूर था, बहुत मशहूर था, ठीक है ना। अभी इस जमाना तक उस जैसी किताब नहीं लिखी गई है, ठीक है ना। इब्न खलदुन की जो मुकदमा है ना, उस जैसी किताब अभी तक इस जमाना तक नहीं लिखी गई है, ठीक है। उस किताब का पूरा नाम भी याद रख सकते हैं, किताब उल इबर व दीवान अल मुब्तदा वल खबर फी अय्याम अल अरब वल अजम वल बरबर व मन आसरहुम मिन ज़बी सुल्तान अल अकबर। तो इस किताब को आपको याद रखना है, ठीक है। इस किताब के अंदर क्या क्या है ये भी आपको याद रखना है। वजमा मयादीन अल मारिफा मिन अश्शरिया व तारीख व जुग्राफिया व इक्तसादिया व उमरान व सियासिया व इज्तिमाईया व तिब। तो ये चीज आपको याद रखना है,
क्या है, शेयर के बारे में है, तारीख के बारे में, जुगरा के बारे में है, इकोनॉमिक्स के बारे में है, उमरान के बारे में है, सियासत के बारे में है, इज्तिमा के बारे में है, किम के बारे में है। तो ये चीज मुकदमा जो है ना, इसको आपको याद रखना ही है, ठीक है ना। और इसने अपनी किताब को 6 फसलों में बांट दिया है, ठीक है ना, 6 बाब में बांट दिया। कभी फसल बोलते हैं, कभी बाब बोलते हैं, तो चाहे बाब बोले या फसल बोले, अब वही सवाल का जवाब आएगा, ठीक है ना। छे छे, ठीक है ना, तो 6 को याद रख दीजिएगा, ठीक है। तो पहला बाब में इसने जिक्र किया उमरान अल बशारी, ठीक है, उमरान फिर उमरान अल बशारी, दूसरा जिजा पर फिर उमरान अल बदवी, फिर उमरान अल बदवी, फिर उमरान अल बदवी, और तीसरी बाब पर इसने जिक्र अद्दुल वल खिलाफा वल मुल्क, अद्दुल वल खिलाफा वल मुल्क, और चौथे नंबर पर फिल उमरान वल फिल उमरान अल हदारी वल बुल्दान, फिल उमरान अल हदारी वल बुल्दान, और पांचवे बाब पर इसने फी मसानि वल माइस वल कसब इसके बारे में जिक्र किया है, और छठे नंबर पर वल उलूम वल अनसाब व तालीमहा, यानी उलूम अनसाब के बारे में इसने जिक्र किया है। तो ये 6 बाब है ना, आपको याद रखना है, यानी इस किताब के कितने मुकदमा के कितने फसले हैं, कितने बाब हैं, 6 बाब हैं। तो वतन कसब अल मुकद्दमत इला सित्तत फुसूल, कभी कभी देते हैं खमसत फुसूल, अरबात फुसूल, खमसत फुसूल, खलसत फुसूल, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में भी बोला जाए, इस किताब में क्या है, मिन अश्शरिया व जमा मायदिन अल मारिफा मिन अश्शरिया व तारीख व जोग्राफिया व इक्तिसादिया व उमरान व सियासिया, ये सब उसमें जिक्र है, ठीक है ना। और एक चीज है, आप ऊपर से सवाल भी दे सकते हैं, किस तरह सवाल दे सकते हैं, इसका जो दादा है ना टूनिसी, तो इसके दादा जो टूनिस में आया था ये हजरम से, हाँ, तो उसके दादा के बारे में है, हाजरा हाजरा जद्दुहु अत्ता से, जो 99 नंबर पर उसका दादा जो था ना, इसके दादा ने बहुत ज्यादा ये था प्लेटफॉर्म था, तो उसके जो 90 नंबर पर जो उसका नाम दादा था, तो वो जो टूनिस में आया था ना, फी अवाखिर अल कर्न अस-सालिस, फी अवाखिर अल कर्न अस-सालिस, फी अवाखिर القرن الثالث, قرن الثالث के आखिरी मरहले में आए थे। तो ये चीज भी आपको याद रखना चाहिए, इसलिए कि इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसने बहुत सारे ये इब्ने खल्लदुन है ना, बहुत सारे मुल्क भी सफर किया, उनमें से कुछ का जिक्र हम आपको बयान कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ जगह का जिक्र किया है, कुछ मुल्क का सफर किया है, उनमें से तो एक आपको सकरा, सकरा बोलते हैं, ठीक है, एक है गरनाता, गरनाता, एक है तिल निशान, एक है तिल निशान, उसके बाद लास्ट में मिस्र, मिस्र में जाकर उसमें एक बंदा का बरउख एक बादशाह था, उसका से काजी अल कुजात बन गया था, उसमें काजी अल कुजात के बारे में माने काजी का काम करते थे, उसके बाद एक मरतबा उसके जो फैमिली के लोग है ना मिस्र आ रहे थे, इससे नौ कश्ती से, तो कश्ती डूब गया था, उसकी वजह से पूरा फैमिली उसका क्या हो गया था, गर्क हो गया था, गर्क आब हो गया था, पानी में डूब गया था, पूरा खत्म हो गया था, उसकी वजह से बिल्कुल वो एकदम बिल्कुल गमगीन हो गए थे, और वो घर से नहीं निकलते थे, और जो एक एक झोपड़ी बनाए थे उसका नाम वो रखा था फयूम, 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 तो फयूम के नाम से एक झोपड़ी बनाया था, और उसी में रहते थे, वो सब छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई और उसमें सब कुछ छोड़ दिया, उसमें बसना शुरू कर दिया, और उसमें जिस तरह तसव्वुफ बरतते हैं ना, उसी तरह उसने इसमें रहना शुरू कर दिया। तो वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बारे में इतनी ही है, इसके इसके बारे में कोई किताब जो मशहूर किताब नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद आ रहा है मुजहिर, मुजहिर जो सुयत की किताब है, इब्ने सुयत ने बहुत सारी किताब लिखे हैं, इब्ने सुयत के बारे में कल ही बोला था जो 400, कोई बोला है 500, कोई बोला है 600, इस तरह का बहुत सारे किताब, और कल उसके बारे में बोला है, इसको बोलते हैं हातिबुल लैल, हातिबुल लैल, हातिबुल लैल इसलिए बोलते हैं जो रात में लकड़ी काटते हैं ना, तो उसमें कीड़ा मकोड़ा सब लेके आ जाते हैं, उसको पता नहीं चलता है तो इसमें क्या होता है। तो ये कोई ऐसा मौजू नहीं था जिसने नहीं लिखा है, वो एक इसमें हर फन में इसको लिखा है, ठीक है। तो इसके जो किताब है ना मुजहिर, तो उसके बारे में इसको 2 अज्जा पर बांटा है। तो 2 अज्जा क्या है, पहले सुन लीजिए, पहला अज्जा में क्या है, यह बहसु फिल अल्फाज़ लुगति व असलहा व सहीहा व मुतवातिरहा व मुरसल व मुनक़ता, ठीक है। तो इसमें क्या बहस किया गया है, हाँ, इसमें बहस ये क्या है, अल्फाज़ लुगत के अल्फाज क्या होनी चाहिए,
उसका असल क्या है, उसका सही क्या है, उसमें मुतवातिर क्या है, उसमें मुरसल क्या है, उसमें मुनकता क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ पहले अज़ज़ा में जिक्र किया है। يبحث في الألفاظ اللغتي وأصلها وصحيحها ومتواترها والمرسل والمنقطع ये सब उसमें लिखित किया है। और दूसरे अज़ज़ा में क्या बयान किया है, في أوازن الكلام, दूसरे अज़ज़ा में क्या बयान किया गया, في أوازن الكلام وأبنية الأفعال الضوابط, और कुछ अफ़आल के जो कानून है उसको बयान किया है, वो है कि कलाम के अवाजन को बयान किया गया दूसरे फसल में क्या, दूसरे अज़ज़ा पर किया अवाजन कलाम, कलाम के जो अवाजन होते हैं उसको जिक्र किया गया है, और फेल के जो कवानीन है, फेल बनाने के लिए कुछ कवायद हैं, मखसूस कवायद हैं, उसको बयान किया है। वो है कि दो चीज, दो अज़ज़ा में दो चीज बयान किया गया है, एक है तो अल्फाज के असल, सही, मुतवातिर, मुरसल, मुनकता के बारे में, और दूसरे अज़ज़ा में अवाजन कलाम और फेल के असलियत, फेल कहाँ से निकलता है, कौन उसका मादा है, कौन क्या है, इसके बारे में बयान किया गया है। तो वो इसका आपको याद रखना है जो इस किताब में क्या बयान किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में और एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसने, इस बंदा ने जितने है ना ऊपर से नीचे तक आप हम लोग पढ़े है ना, उनमें से एक ही बंदा का नाम आया है हफ्ज़ अल कुरान, इसने कुरान भी हिफ्ज कर लिया था, कुरान भी इसने हिफ्ज कर लिया था, पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था, ठीक है। कितने में, उस वक्त उसकी उम्र कितना था, 5 साल, तो 5 साल की उम्र में इसने कुरान को हिफ्ज कर लिया था, तो इस चीज को भी याद रखना है। और एक किताब है इसकी, किताबुल इत्कान, किताबुल इत्कान फी उलूमिल कुरान, तो इसमें उलूमिल कुरान के बारे में जो लिखा है इत्कान, तो किरा इत्कान को भी याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इस किताब में जो मुजहिर ना, मुजहिर किताब में इसने, इस किताब को इसने यदबुल किताब 50 नौआन औ इल्मन मिन उलूमिल लुगा, इल्मे लुगात के 50 अक्साम को इसने बयान किया है। कितने अक्साम को बयान किया है, 50 अक्साम को इसने बयान किया इस किताब के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर पर कौन है, कस्फुज़्ज़ुनून। कस्फुज़्ज़ुनून से भी एक सवाल देते हैं, कस्फुज़्ज़ुनून से 2-3 साल से तो एक सवाल इससे देता है, इसलिए कि इसके बारे में बहुत मशहूर कौल भी है, और आप थोड़ा सा बोलेंगे इसके जो मेन मोन इम्पोर्टेंट चीज है उसको बताते हैं, ठीक है ना। तो कश्फुज़्ज़ुनून के ये किताब के बारे में है, किताब के ये गोया के दायरतुल मआरिफ अनिल किताब, दायरतुल मआरिफ अनिल किताब, एक किताब के बारे में, असामील कुतुब के बारे में, वल फुनून के बारे में, गोया के किताब के जो क्या फन होता है, क्या उसमें नाम लिखा गया है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स के साथ दिया गया है, ठीक है ना। तो उसको हमको याद रखना है। हाजी खलीफा का नाम तो कल ही बोल दिए थे, क्या उसका नाम है, तो मुस्तफा बिन अब्दुल्ला, तो मुस्तफा बिन अब्दुल्ला को भी याद रखना है, ठीक है। कस्फुज़्ज़ुनून का क्या मौजू है उसको भी याद रखना है। अच्छा, इसके बारे में बोलते हैं, वह अबू मिन रिजालिल हित, इतने में से किसी के बारे में नहीं आया है, लेकिन यही एक शख्स है कस्फुज़्ज़ुनून, हाजी खलीफा वाला, ये कह रहे हैं इसके बाप है ना, मिन रिजालिल हित, हिंदुस्तानी में से है, हिंदुस्तान के मर्द में से इसको शुमार किया जाता है, वो आबू को मिन रिजालिल हिंदी, इसके बाप हिंदुस्तान के रिजाल में से शुमार किया जाता है, ठीक है। इसको कातिब जलबी बोलते हैं, कातिब जलबी, युलक्कब कातिब जलबी, कातिब जलबी वो बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं ये किताब है ना, ये किताब पहले मरतबा किसमें लिखा गया था, किसमें लिखा गया था, 3 जुबान पर लिखा गया है इस किताब को, अरबी, फारसी और तुर्की। तो सबसे पहले अरबी और फारसी में लिखा गया था, अरबी और फारसी, और क्या है, अरबी और फारसी में पहले मरतबा लिखा गया, उसके बाद तुर्की में उसमें ट्रांसलेशन किया गया था, ठीक है ना। तो उसके 3 जुबानों में, 3 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेशन किया गया है, उसको भी याद रखा गया, लेकिन उससे पहले मरतबा लिखा गया अरबी और फारसी से। तो अरबी और फारसी को आपको याद रखना चाहिए बिल्कुल। और एक चीज ये भी है, इस किताब को लिखने के में इसको कितना टाइम लगा था जानते हैं, 20 साल तक टाइम लगा था, वो है कि इसको, इस किताब को लिखने में 20 साल का टाइम इसमें खर्च हुआ था, मतलब जिंदगी का 20 साल इसमें खफाया था, ठीक है ना। और उसमें 50 साल लगाया था किसने, अबुल फरज इस्फहानी, किताब लगाने में कितना लगाया था उसमें, 50 साल तक लगाया था, और ये बेचारे कितने तक, 20 साल तक लगाया है, ठीक है। इसके कुछ मशहूर किताबें हैं, इसके कुछ मशहूर किताबें किस तरह है, एक है जहनुमा, जहनुमा सूरतुल आलम, एक है सूरतुल आलम, सूरतुल आलम,
उसको एक मरतबा दे दिया था जहनामा, जहनामा, जहनामा का अरबी ट्रांसलेशन सूरतुल आलम, सूरतुल आलम दुनिया की पिक्चर है, तो दुनिया के जो पिक्चर है ना, दुनिया के जो सूरत है ना, तो उसके बारे में जहनुमा, जहनुमा, नुमा ये फारसी लफ्ज है, ठीक है ना, तो जहनुमा। और एक किताब है तुहफतुल किबार, तुहफतुल किबार फी असफारिल बिहार, फी असफारिल बिहार। और एक किताब है तुहफतुल अखबार, तुहफतुल अखबार फिल हिकम वल मसल वल अशआर, इसको भी याद रखना है। और एक किताब है मीजानुल हक, मीजानुल हक ये तुर्की जबान में है, मीजानुल हक हो सकता है इस तरह दे दे, मीजानुल हक कौन सी जबान में, अरबी, फारसी, तुर्की और यूनानी, इस तरह दे सकते हैं। तो मीजानुल हक उसकी एक किताब है, वो तुर्की जबान में है, और कहाँ लिखा गया है, हलब में लिखा गया है, तो इसको भी याद रखना है। तो चार किताब का आपको बिल्कुल याद रखना है, एक है जहनुमा जिसको सूरतुल आलम बोलते हैं, सूरतुल आलम, और तुहफतुल किबार, तुहफतुल अखबार, मीजानुल हक, ये जो किताब है ना इसको आपको याद करना ही चाहिए, ठीक है ना। वैसे तीन जुबान में जो ट्रांसलेट किया गया है वो कौन सी किताब है, से उनमें से एक ही किताब है जो कशफ जुनून है, ठीक है ना, उसको कशफ जुनून को अच्छा, उसके बाद 15 नंबर पर हम लोग अब पहुंच चुके हैं 15 नंबर पे, ठीक है। कशफ जुनून किसके लिए की हुई है जी, कशफ जुनून, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कशफ जुनून किसकी किताब है, मुसन्निफ हाजी खलीफा, हाजी खलीफा, हाजी खलीफा, हाजी खलीफा, हाजी खलीफा, उसका नाम क्या है, मुस्तफा बिन अब्दुल्ला, मुस्तफा बिन अब्दुल्ला, तुम नाम भी याद रख दीजिएगा, हम बार बार बोल रहा हूँ, उसके नाम से भी देते हैं और कभी कभी उसके क्या कहते हैं मौजूद के बारे में देते हैं, और कभी कभी उस किताब के उसका जो किताब है उसके बारे में देते हैं, तो उसको भी याद, तो आपको याद कर रखना है, ठीक है ना। उसके 15 नंबर पे क्या है, जो हम अहमद अमीन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, अहमद अमीन के तीन किताब है, इसमें फजरुल इस्लाम, दोहल इस्लाम, अजहरुल इस्लाम, फजरुल इस्लाम, दोहल इस्लाम, अजहरुल इस्लाम। तो फजरुल इस्लाम, इसके बारे में अहमद अमीन का अबू का नाम तो कल बोलते हैं इब्राहिम, उसका अबू का नाम क्या है, इब्राहिम, 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 याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें जो किताब है ना फजरुल इस्लाम, तो फजरुल इस्लाम में क्या है, जाहिली पीरियड से लेकर, जाहिली जमाने से लेकर बिल्कुल उमैया के आखिर तक, गोया के जाहिली पीरियड से लेकर गोया के 775 475 से लेकर 750 तक, 750 उमैया पीरियड का आखिर यही होता है ना 750, तो 750 तक इस किताब का मौजू है, मतलब गोया के ये सब मौजू इसमें दाखिल है, यानी उसमें क्या है, जमाने जाहिलिया है, जाहिलिया के बारे में, इस्लामी पीरियड के बारे में, उमैया पीरियड के आखिरी लम्हा तक है, ठीक है ना। तो फजरुल इस्लाम में यहाँ तक है। दोहल इस्लाम, दोहल इस्लाम में क्या है, दोहल इस्लाम में ये अब्बासी पीरियड के शुरू से लेकर शुरू होता है, बल्कि अब्बासी पीरियड कहाँ शुरू होता है, तो 750 से शुरू होता है, 750 से शुरू होता है, 750 से शुरू होता है, 132 से शुरू होता है, ठीक है, तो 132 से शुरू होता है और कहां तक चलता है, ये वासिक बिल्ला, वासिक बिल्ला के जमाने तक के इसमें दोहल इस्लाम में बयान है, ठीक है। तो दोहल इस्लाम में कहां तक बयान है, दोहल इस्लाम है वासिक बिल्ला, वासिक बिल्ला। उसके बाद जहरुल इस्लाम, जहरुल इस्लाम में कहां तक का उसमें वाकई बयान क्या है, उसमें मुतवक्किल से लेकर अलकर्न राबे अलहिजरी तक, गोया के अब्बासी पीरियड के लास्ट तक, हाँ, तो गोया के अलकर्न राबे हिजरी तक इसमें जिक्र है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। और एक चीज आपको इस किताब के बारे में थोड़ा सा इसमें जो किताब है ना, ये फजरुल इस्लाम, दोहल इस्लाम, दोहल इस्लाम और अजहरुल इस्लाम, इसमें शिया और शिया की और शोबिया की ये सब के जिक्र भी बयान किया गया है, और इसके जो मुतजला और जो जितने फिरका हैं, जो फिरका है ना जो इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा नुकसान साबित हुआ था, तो उसके बारे में बहुत जिक्र है, और इसमें बहुत ज्यादा इसने क्या किया, रद्द किया है शिया के बारे में, मुतजला के बारे में, और जो शोबिया के बारे में, और जितने गुमराह जो फिरके हैं उसके बारे में इसने जिक्र किया है, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ तक उसके किताब के जो है ना मौजू है उसको भी याद रख दीजिए। एक तो अब्बासी पीरियड के शुरू से लेकर वासिक बिल्ला तक, वासिक बिल्ला तक,
वहां से मिल जाता है, ठीक है ना। 200 माने 132 से लेकर 232 तक, 132 से लेकर 232 तक, और 232 से लेकर जो आखिरी तक होता है अलकरनूर रावे, वहां तक है दारुल इस्लाम। तो वो उसका आपको याद करना है, ठीक है ना। कभी कभी इस तरह देते हैं कि कौन ऐसा बंदा है जो जिसने क्या कहते हैं जामियतुल काहिरा में क्या हुआ था, उसका ये प्रिंसिपल बन गया था, ठीक है। तो कौन ऐसा बंदा है, तो वही एक बंदा है जो 1939 में ये इसने क्या बना था, ये बना था, इसका प्रिंसिपल बन गया था, ठीक है ना। तो ताहा हुसैन का जमाना और इसका जमाना बिल्कुल करीब करीब था, ठीक है ना। ताहा हुसैन का जमाना और इसका जमाना बहुत करीब करीब था, और इसने बहुत सारे किताबें लिखी, उनमें से कुछ मशहूर किताबें आपको याद करना है, ठीक है ना। कभी कभी दे देते हैं तो हम उसको आपको याद कराना है, ठीक है। तो उसके कुछ मशहूर किताबें हैं आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। कुछ मशहूर किताबें क्या है, यौमुल इस्लाम, यौमुल इस्लाम, यौमुल इस्लाम, यौमुल इस्लाम। उसके बाद कामूसुल आदात व तकालीद, कामूसुल आदात والتقاليد، قاموس العادات والتقاليد من زعماء الإصلاح، من زعماء الإصلاح. اور ایک سوال دیا ہے زعماء الإصلاح في العصر الحديث، من عصر الحديث کے بارے میں کون سی اس کی کتاب ہے؟ زعماء الإصلاح في العصر الحديث، زعماء الإصلاح في العصر الحديث. اس کے بعد ایک کتاب ہے فيض الخاطب، فيض الخاطب. ہو سکتا ہے آپ کو کہے کم اجزاء، کم جزءان، اس طرح پوچھ سکتا ہے کم جزءان، اس کے کتنے جزء ہے؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے 10 اجزاء ہے، 10 अज्जा है। तो उस 10 अज्जा को आपको याद करना है। और एक इसकी किताब है नक्द के बारे में, नक्द के बारे में एक किताब है, बहुत मशहूर किताब है और बहुत मस्त किताब है। अगर आप लोग को टाइम मिले तो उस किताब को पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे नॉलेज आपको मालूम हो जाएगा, बहुत सारे इल्म आपको हासिल हो जाएगा। क्या है वो किताब का नाम, अन्नकदुल अदबी, अन्नकदुल अदबी जुजआने, अन्नकदुल अदबी जुजआने, अन्नकदुल अदबी जुजआने। और एक किताब है अशर्क वल गर्ब, अशर्क والغرب الشرق والغرب، اتنی کتاب پہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے جو چار اجزاء پر یہ مشتمل ہے، وہ کیا ہے، قصۃ الادب فی العالم، قصۃ الادب فی العالم، یہ چار اجزاء پر ہے۔ اور ایک ہے مبادئ الفلسفہ، ایک کتاب ہے مبادئ الفلسفہ۔ تو اس کتاب کو بھی آپ کو رٹنا ہے، اس کتاب کو بھی آپ کو حفظ کرنا ہے، مبادئ الفلسفہ۔ تو ہم کو کتنی کتابیں، یوم الاسلام، قاموس العادات والتقاليد، من زعماء الإصلاح، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، فيض الخاطر، الشرق والغرب، النقد الأدبي، اور کیا ہم کو پڑھے ہیں، اور قصة الأدب في العالم، اور مبادئ الفلسفة، اتنا آپ کو یاد کر لیں گے نا، انشاءاللہ آپ کا سوال تو آئے گا، بالکل آپ کو آسانی کے ساتھ ایک سوال آپ کو مل جائے گا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ سر اتنا کتاب کا نام بتائے ہیں، کس کی کتاب ہے؟ یہ احمد امین کی کتاب ہے۔ جی 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 احمد امین کی کتاب، ٹھیک ہے نا۔ احمد امین کی جو کتاب ہے ہمارے سلیم فجر الاسلام، ضحا الاسلام، دار الاسلام، تو کبھی کبھی اس کی کتاب سے بھی سوال آتا ہے، بہت زیادہ، یعنی دو تین مرتبہ، یعنی دو تین سال سے اس کی کتاب کے بارے میں دیتے ہیں۔ تو اس کے جو مشہور کتابیں ہیں ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اس کو یاد کر لیجیے گا اور اس کو حفظ کر لیجیے گا، جس طرح کا سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح یاد کر لیجیے گا تاکہ اس میں کچھ بھی کیا کہیں گے، اس میں ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہ رہے، اس میں کوئی شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے، بالکل اطمینان کے ساتھ ایک دم پڑھیے گا اور اس کو لگا لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ایک سوال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں، آپ کو بول رہے تھے ایٹ یونٹ، جو ایٹ نمبر پر جو ایٹ یونٹ ہے نا اتجاہات کے بارے میں، اس کو بھی آپ کو اسی طرح یاد کرنا ہے، تھوڑا سا اس میں ذہن لگائیے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ یونٹ بہت آسان ہے اور اس میں اکثر بچے غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیوں جانتے ہیں، آسانی کی وجہ سے، وہ نہیں ملا پاتے، جو وہ حافظ رہے ہی پھر یہاں پھر آ گئے، تو کون والا صحیح، اس طرح کر کے دماغ اس طرح ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر غلط کر کے آ جاتا ہے، دیکھتا ہے یار یہ سوال تو میرے کاپی میں ہے، یہ تو کاپی میں لکھا ہوا ہے، یہ تو سب کچھ پڑھائے تھے، یہ تو سب کچھ یاد ہے، تب بھی غلط کر کے آ گئے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بچنے کے لیے آپ کو ہاں بالکل اطمینان کے ساتھ، بالکل ذہن میں بیٹھا لیجیے گا، جو پڑھائیں گے کلاسک کے بارے میں اس کو بالکل یاد رکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو ایٹ یونٹ کے بارے میں پہلے جو ہمارے ہے وہ ہے الکلاسکیہ الجدیدہ، کلاسکیہ الجدیدہ، کلاسکیہ الجدیدہ ہے نا،
तो किला सकिया जदीदा, तो किला सकिया, किला सकी के कुछ नाम है हमको, कुछ उसके क्या मुतरादिफ उसका नाम है, तो हमको उस नाम को भी याद रखना चाहिए, याद करना पड़ेगा। क्या क्या है? एक इसका नाम है अल अतबाइया, अल अतबाइया पैरोकार, अतबाइया अतबाइया अतबाइया, और एक है क्लासिकिया, एक है क्लासिकिया, और एक है तकलीदुल कुदमा, एक है तकलीदुल कुदमा, तकलीदुल कुदमा, और एक है नाम है तैयारुल मुहाफिज़ीन, एक है तैयारुल मुहाफिज़ीन, तैयारुल मुहाफिज़ीन, तैयारुल मुहाफिज़ीन, और एक का नाम क्या है अल क्लासिकिया अल जदीदा। तो वो एक कितने नाम हो गए, एक दो तीन चार पांच, वे के क्लासिकी के पांच नाम हो गए। पांच नाम आपको याद रखना है, क्या क्या नाम है, कभी कभी दे सकता है वो नाम से देकर, कभी कभी इस तरह का नाम देकर, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो क्लासिकिया का क्या नाम है, हाँ तो क्लासिक के बारे में बोल रहे थे ना, तो क्लासिक क्या क्या नाम है, क्लासिक के नाम एक है अतबाइया, दूसरा है तकलीदुल कुदमा, तीसरा है तैयारुल मुहाफिज़ीन, चौथा है अल क्लासिकिया अल जदीदा, क्लासिकिया अल जदीदा, क्लासिकिया अल जदीदा, ठीक है ना, उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है क्लासिकिया जो है ना, क्लासिकिया, क्लासिकिया राइदुल क्लासिकिया, पहले जो यूरोप में कौन था, हमको वो चीज याद रखना है, एक सिर्फ ये बंदा को याद रखना है। तो कौन है क्लासिकिया का, कौन है, कौन ये, कौन ये था, राइद था, राइदुल क्लासिकिया यूलियस जुलूस, ठीक है, यूलियस जुलूस, ठीक है ना, वो आदमी है ना, राइदुल क्लासिकिया का राइद है, ठीक है। तो ये एक बंदा का नाम आपको याद, आप ये स्पेलिंग लिख दे सर जी, सर ये स्पेलिंग लिख दे आप, लिख देगा। चलिए सर आप पढ़ाइए। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं ना जी सर? यस सर। ठीक है, कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, ठीक है। वो जो नाम बताया वो लिख दीजिए जरा। हाँ, जो राइट का नाम बताया यूलियस जुलूस, ठीक है, इंग्लिश नाम है, इसको याद रख दीजिएगा, ठीक है। कैमरा के सामने लाके दिखा दीजिए सर। वो पांचों नाम जो है रिटर्न में लेना चाहते होंगे, पांचों नाम जो अल क्लासिक या अल जदीदा है। ठीक है, ठीक है, लास्ट, ठीक है, हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम ये पांच एक साथ लिखते हैं, ठीक है। सर ये नाम दिखाइए जरा, दिख नहीं रहा है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर। तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, मैं एक मिनट रुक जाइए, आप लोग सर मोहम्मद सामी अलबारूसी रायद नहीं है, यूरोपियन में से है, पहले तो वहां से यूरोप से आकर हमारे अरबी में आए, ठीक है ना, तो यूरोप वाले सर थोड़ा सा याद रख दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी हमारे जो अरबी में, अरबी तो बाद में आए है ना, ये तो 19वीं सदी के शुरू शुरू में आए थे, ठीक है ना, तो उसमें इसलिए इसको भी याद रखना है, ठीक है। सर ठीक है, लिख लिया, अब कंटिन्यू कीजिए। हाँ
तीनों को ले लेते हैं, राइट और रोमांस सर। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा सर, हम लोग दोबारा इसको देख के लिख लेंगे सर, आप कंटिन्यू करिए। जी सर कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो देरी हो रही। अच्छा ये है राइड और रोमांसिया, राइड और रोमांसिया कौन, जान जक रोसो, ठीक है ना, जान जक रोसो, ये तो बहुत आसान नाम है, उसको याद कर सकते, ठीक है, जान जक रोसो, ठीक है, तो इसको याद रखिए। रोमांसिया, रोमांसिया का जो यूरोपियन वाले है ना, यूरोप से हमारे अरबी में आए हैं, तो पहले यूरोपियन को थोड़ा याद कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको ये करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रोमांसिया बोले क्या है, जान जो पुरुष हो, इसका जो ये है मराइद है। उसके बाद वाकया, वाकया है विक्टर हिगो, विक्टर हिगो, विक्टर हिगो, वाकया विक्टर हिगो। और रमजिया, बोधलेर मालारामिया, बोधलेर मालारामिया, बोधलेर और मालारामिया, ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखना है। उसके बाद क्या क्या है, क्लासिकिया, रोमांसिया, वाकईया और क्या है, रमजिया, ये चार चीज का राय जो यूरोप से आए थे, इसको याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी उस तरह सवाल देते हैं, इसलिए आपको इस तरह नाम बता दिया। अच्छा तो अब आते हैं हम क्लासिकिया, क्लासिकिया जो हमारे अब अरब में पहुंच गया ना, अरब में कहा, मिस्र में पहुंच गया पहले, मिस्र में जो जितना काम किए हैं दुनिया में भर में इतना नहीं काम किए हैं, ठीक है, आदब अरबी पर, तो अरबी आदब पर इसने क्लासिकी अल जदीदा और तैयार अल महफिजिन तो बता दिया। इसका जो रायद है, जो पहला मरतबा, जो पहले स्टेप, जो पहले जो कदम रखा अरबी में, वो उसका रायद कौन है, महमूद सामी अल बारूदी, महमूद सामी अल बारूदी, ठीक है, इसको याद रख दीजिएगा। एक ये अब ये लिख लीजिएगा उन्हें क्लासिकी अल जदीदा। उसके बाद उसके देखिए जो यूरोपियन वाले हैं राय है, उसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर एक ये बनाइए, उसके बाद अरबी वाले में जो राय है उसको लिख दीजिए। क्लासिकी अल जदीदा का राय कौन है, महमूद सामी अल बारूदी, अरबी में पहुंच गया, ठीक है, तो महमूद सामी अल बारूदी तो लिख लीजिए, ठीक है ना। उनमें से मशहूर कुछ जो क्लासिके में पड़ता है आपको याद करना है, वो चीज आप कभी पूछते हैं जे कौन उनमें से क्लासिके नहीं है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है, क्या कहता है आप एक एक हम बोलते हैं आपको, आप उसको लिख लीजिएगा। इब्राहिम, इब्राहिम अल यजजी, इब्राहिम यज जी, यज 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 जी, ठीक है। इस्माइल सबरी, इस्माइल सबरी, इस्माइल सबरी, जमील सिद्दीकी अल ज़हाबी, ठीक है, जमील सिद्दीकी अल ज़हाबी, अहमद शौकी, अहमद शौकी, अहमद शौकी, हाफिज इब्राहिम, हाफिज इब्राहिम, अजीज अबाजा, अजीज अबाजा, अहमद मुहर्रम, अहमद मुहर्रम, अली जारी, इतने काफी है, ठीक है। तो क्या क्या बताया, एक तो रायद बता दिया महमूद सामी अल बारूदी, ठीक है, दूसरा बताया अहमद शौकी बड़े में से, तीसरा है हाफिज इब्राहिम, तीन हो गया, चौथे है जमील सिद्दीकी अद-दहाबी, पांचवें नंबर इस्माइल सिद्दीकी, इस्माइल सबरी, छठवे है इब्राहिम अलियज जी, ठीक है, और अजीज आबाजा, आठवें नंबर पर अजीज आबाजा, और नौवे नंबर पर है अली जारिम, और एक है अहमद मुहर्रम, अहमद मुहर्रम, इतनी ही काफी है। तो हम इसमें इस यूनिट में क्लासिकल जदीद से क्या नाम सीखे हैं, जो यूरोप के जो रायद था उसका नाम हमको मिल गया, ठीक है ना, वो सीरियस, ठीक है, उसको हमको मिल गया। उसके बाद रायद उल क्लासिकल जो अरबी में है वो मोहम्मद समी बारूदी, उसको भी याद हो गया। उसके बाद कुछ इसके जो ये है, इसके जो आदा है, ये लोग भी क्लासिके में लिखे हैं, तो उसके बारे में ये है, ठीक है ना, तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा तो अब ये क्लासिकी अल जदीदा वाला ये खत्म हो गया, ठीक है ना, क्लासिकी अल जदीदा। और एक चीज आपको पूछा जा सकता है, आदि में पूछ सकते हैं, उसमें एक चीज आपको पूछ सकते हैं क्लासिक के बारे में, ये क्लासिके क्या होता है, क्लासिकल जदीदा, अल कसाइद तकलीदिया, अल कसाइद तकलीदिया, अल मुस्तखदमा फिल अदब अल अरबी अल कदीम, अल मुस्तखदमा फिल अदब अल अरबी अल कदीम। क्लासिके क्या होता है, ये तकलीदी कसाइद होते हैं, वो एक किसी जमाने के तकलीद करते करते आए हैं, ठीक है, अल मुस्तखदमा फिल अदब अल अरबी अल कदीम,
क्योंकि अरबी कदीम को लेकर क्या वो रिसा लिखे हैं, हम भी रिसा लिखे हैं, वो भी गजल पर लिखे तो मैं भी गजल पर लिखता हूँ, इसी तरह उसका क्या है, उसके तकलीद क्या है, इसलिए उसे क्लासिकिया कहते हैं। तो क्लासिकिया क्या है, अल क्लासिकिया वल कसाइद तकलीदिया, अल कसाइद अत तकलीदिया, इसलिए उसका दूसरा नाम अत तकलीदिया भी है, हाँ तकलीदुल खुदामा, ठीक है। तो अल कसाइद तकलीदिया अल मुस्तखदमा फिल अदब अल अरबी अल कदीम, इसको याद आपको रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम रोमांसिया, रोमांसिया, रोमांसिया में कौन ये था, जान जोक रूसो, कौन यूरोप में कौन था, जान जोक रूसो, तो जान जोक रूसो का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। और आर्मी में कौन था इसका रायद, आर्मी में रायद था खलील मुतरान, खलील मुतरान, खलील मुतरान, खलील मुतरान, इसको याद रख दीजिए, खलील मुतरान, खलील मुतरान, ठीक है। तो इसका राइद के कौन नाम है, राइदुहा रोमांसिया, राइदुहा खलील मुतरान। और भी इसमें जो रोमांसिया में कौन कौन जो जमात जो जो ग्रुप बना था, ठीक है ना, वो कौन कौन पढ़ता है रोमांसिया में, रोमांसिया में जमाते जमातुल दीवान, जमातुल दीवान भी पढ़ता है, राबितुल कलामिया भी पढ़ता है, राबितुल कलामिया और यबलो भी पढ़ता है, ठीक है, जमाते यबलो, ठीक है, जमात यबलो भी पढ़ता है, जमात दीवान भी पढ़ता है, जमात राबितुल कलामिया, गोया के तीन का जो रायद है या उसके जो आदा है या उसके जो मेंबरेंस है, ये सब उसमें रोमांसिया में पढ़ता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, इसके रोमांसिया के कौन रायद है, यूरोप में कौन था, जान जोक रूसो, और अरबी में कौन था, खलील मुतरान, इसको याद रखना है। उसके बाद दो तीन नाम आपको याद रखना है, दो तीन नाम क्या क्या है, उमर अबू रिशा, उमर अबू रिशा, उमर अबू रिशा, ये भी रोमांसिया में पढ़ता है, अबुल कासिम अशाब भी, अबुल कासिम अशाब भी, इसको भी रोमांसिया में सुमर किया है। तो अबुल कासिम अशाब भी, उमर अबू रिशा का नाम आप लोग बिल्कुल याद रख दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके याद रखने के बाद अब रोमांसिया का कुछ नाम भी है, ठीक है ना, रोमांसिया के भी कुछ नाम है, रोमांसिया के नाम क्या जानते हैं, इब्दाइया, 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 ठीक है। तो इब्दाइया का लफ्ज इसको लिख लीजिए, ठीक है, जो रोमांस क्या होता है, इब्दाइया, इब्दाइया, ठीक है, रोमांस। और ये भी एक सवाल दे सकते हैं, रोमांसिया, तो रोमांस ये लफ्ज कहाँ से आया है, तो ये लफ्ज आया है जहां से, फ्रांस से, फ्रांस के, फ्रांस लैंग्वेज से आया है, ठीक है। तो फ्रांस का लफ्ज इसमें आपको याद करना पड़ेगा, जो फ्रांस से ये रोमांसिया का लफ्ज लिया है, ठीक है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसमें क्या है, इसमें बहुत बढ़िया एक चीज है, इसमें क्या है, रोमांसिया क्या है, ये क्लासिया के खिलाफ में आया था, क्लासिया के, क्लासिके जो क्लासिकिया है ना, क्लासिके अल जदीदा के खिलाफ में रोमांसिया आया था। रोमांसिया क्या हुआ है, वल फिक्रतु हु हादिहिल फिक्रतु तअबीरन सादिकन मिन अज़ातियति वल विज़दान व शख्सिया। तो इसमें आपको क्या करना है, ये एक ऐसा फिक्र है, एक ऐसा ताबीर है, हाँ, जो दिल की सच्चाई को, दिल के विज़दान को, बिल्कुल दिल के वहदानियत को बिल्कुल अलग थलग से बयान करते हैं, बिल्कुल जो दिल से बात निकलता है ना, उसको इसमें बयान करते हैं रोमांसिया, ठीक है ना। तो हादिहि फिक्रा तुतबरु सादिकन मिन अज़ातियति वल विज़दानि व शख्सिया। तो कभी कभी ये डीओ के एक सवाल में आया था, कौन सा एक इत्तेजाहत है जिसमें विज़दान के बारे में जिक्र किया है या शख्सिया के बारे में जिक्र किया गया है, तो उसमें आप बोल सकते हैं ज़ातिया के बारे में या विज़दान के बारे में या शख्सिया के बारे में, रोमांसिया के बारे में, रोमांसिया में उसमें जिक्र है, ठीक है। तो आप इसको बयान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें तो आप बोल दे रोमांसिया में कौन कौन है, उसको भी हम आपको बयान कर दिए हैं, रोमांसिया में कौन कौन है। तो अब आते हैं रोमांसिया का दूसरा नाम भी बोलते हैं, इब्दाइया, 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 इब्दाइया। अच्छा, अब आते हैं आपके वाकईया, वाकईया, वाकईया को याद रख दीजिए। वाकईया कौन है, वाकईया का विक्टर ह्यूगो, विक्टर ह्यूगो, विक्टर ह्यूगो, जो हाफिज इब्राहिम ने एक किताब लिखे हैं, ठीक है ना। तो हम जब हाफिज इब्राहिम जाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें पढ़ाएंगे, विक्टर ह्यूगो से वो एक ट्रांसलेशन आर्मी में किया है, वो उसकी एक किताब है, उससे ट्रांसलेशन किया है, तो उसको भी आपको याद रखना है। वाकईया, वाकईया का जो यूरोप में सबसे पहले कौन रायद था, विक्टर ह्यूगो, विक्टर ह्यूगो।
और विक्टर हेगो के बाद आप वाकिया में हमारे जो अरबी में कौन रायत है, अरबी में रायत कौन है इसको आपको रखना है। तो अरबी में वाकिया का रायत नजीब महफूज, नजीब महफूज, नजीब महफूज, उसके दो जो ये है ना रिवाया है उसको अच्छी तरीके से याद रख दीजिएगा। एक है अलकाहिरा अलजदीदा, अलकाहिरा अलजदीदा अज़्ज़ाकुल मुदक, इसको भी याद रख दीजिएगा। तो दो अलकाहिरा अलजदीदा, इसमें क्या है, इसमें वाकिया के बारे में जिक्र है। अच्छा अब आते हैं जो वाकिया है ना, वाकिया में इसमें क्या जिक्र है, इसको भी बोल सकते हैं, कभी कभी इसमें दे सकते हैं वाकिया के बारे में क्या क्या जिक्र है। तो वाकिया में क्या क्या जिक्र है आपको थोड़ा सा डिटेल देते हैं। वाकिया में अत्ताबीर अन्नफ्सियत इंसान المعاصر وقضاياه وقضاياه وطموحه وآماله इस तरह करके आया है, यानी इसमें ऐसी ताबीरत है अब इंसान के अपने जमाने का, अपने जमाने के ऐसी ताबीरत है, ऐसी एक सूरत बयान किया गया है जो इंसान अपने जमाने में जिस तरह करके एक किस तरह के एक गमगीन हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, तो इस तरह करके जो मंजर देखते हैं ना उसके बाद जो लिखते हैं उसको वाकिया कहते हैं। तो उसी तरह नजीब महफूज ने जब मिस्र में देखा जो लोग गरीब को किस तरह पीसा जाता है, गरीब को किस तरह मोड़ा जाता है, गरीब को किस तरह ये किया जाता है, चोर किस लिए चोरी करता है, चोरी करने का वजह क्या है, चोरी करने का वजह ये है उसने बोला है इस तरह करके, चोरी करने की वजह ये है जो हमारे जो हुकूमत करते हैं, जो गवर्नमेंट है, जो हमारे सरकार है वही सबका ये है। अगर उसको सही से खाना दे दे, सही से पीना दे दे, सही के सब सब हर चीज को पहुंचा दे तो वो कैसे चोर बनेगा, वो चोर नहीं बनेगा, वो है कि हमारे समाज ने उसको चोर बनाया। तो ये चीज वाकईया है, ये चीज अपने जमाने के चीज को देखते हैं, उसके एहसास करते हैं और उसको अपनी ताबीरत में उसको ढके ये देते हैं, छपो देते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज आपको याद रखना है। तो वाकईया, तो वाकया के बारे में बोल रहे थे, तो कौन है वाकईया, एक है नजीब महफूज, एक है नजीब महफूज, नजीब महफूज का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद नक्द के तीन किस्में हैं, वाकिया का रायत, सर एक बार सर के क्लास में वाकिया का रायत नाज़िकुल मलाइका हमने पढ़ा था, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर। वाकिया का रायत नाज़िकुल मलाइका, जी जी नाज़िकुल मलाइका शेर हुर होगा वो, शेर हुर में है, हां शेर हुर वाकिया के अंदर। सुनिए प्लीज रुक जाइए, मैं उसको वजाहत कर दे रहा हूँ। आप लोग देखिए वाकिया है ना, जिस शेर हुर आया है वो वाकिया का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो गोया के वाकिया माँ बन गया, ठीक है, वाकिया ही से शेर हुर आया है, गोया के जो शेर हुर है ना वो भी जमाने के जो रोना धोना और जो गमगीन और खुश होना ये सब के बारे में लिखा है, और उसमें कोई कोई बोहर नहीं बनाए हैं, गोया के आजादी तौर पर उसने शेर लिखा है, ठीक है ना, उसको कहते हैं। तो गोया के वाकई या माँ बन गया, ठीक है, और उसी का एक जुज शेर हुर है, तो उसलिए उसको राय भी बोलते हैं जो वाकिया से लिया गया है, ठीक है ना। तो वो जो नाज़िकुल मलाइका बोले है ना शेर हुर, तो वो वाकिया से लिया है, गोया के जो शेर हुर आया है वो वाकई ही से आया है, ये बोल सकते जी सर, ठीक है जी जी। अच्छा शेर वाकिया को तीन किस्में बांटा जाता है, तीन किस्म को याद रखना चाहिए आपको। कम किस्मन लिल वाकिया, तो कम किस्मन लिल वाकिया अगर वो जी तारीफ और एक बार बता दीजिए वाकिया का तारीफ, वाकिया का तारीफ, वाकिया का तारीफ التعبير عن نفسية الإنسان المعاصر وقضاياه وطموحه وآماله, यानी ऐसी ताबीरात जो इंसान अपने जमाने में देखते हैं, ठीक है ना, और उसको जो अपने इंसान कोई गम में रहता है, कुछ खुशी में रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम में रहते हैं, उसको जिक्र करते हैं अपने, चाहे अपने अशआर में, चाहे अपने किताबत में, चाहे अपने कुछ किताब के लिखने में, इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वाकिया अपने जमाने का, दूसरे जमाने का जरूरत नहीं, तो अपने जमाने में जो देखते हैं और उसी जमाने के चीज को
तो हुबहू उसी तरह बयान करते हैं जो हमारे इस तरह होता है, जैसा कि हम वो चोर किस हो, किस लिए होता है हमारे सोसाइटी में, उसके तरह बयान किया है नजीब महफूज ने, तो वो वाकईया है, ठीक है ना। तो चोर किस लिए बनता है, हमारे सोसाइटी बनाता है, हमारे समाज बनाता है उसको चोर, ठीक है ना। अगर उसको सही से खाना दे दे, पीना दे दे, सही सब कुछ दे दे, तो वो चोर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वो उस तरह बयान किया, तो उस वाकईया है, ठीक है। तो वाकईया के कम किस्म लिल वाकईया, इस तरह भी दे सकते हैं। कितने किस्में हैं, सरासत अकसामिन, उसके तीन किस्में हैं। वाकया के कितने किस्में हैं, तीन किस्में हैं। तो तीन किस्में क्या है आपको याद रखना है, अन्नकदिया, देखिए अलवाकया अन्नकदिया, और एक है अन्नकदिया अतबिया, अन्नकदिया अतबिया तबिया तबिया, और एक है अलिश्तराकिया अलिश्तराकिया अलिश्तराकिया, ठीक है। तो नकद की इसमें जो वाकईया है, इसमें नकद की तीन किस्में बयान किया है, एक किस्म है नकदिया, एक है तबीईया, और यह इस तरह किया। कभी कभी इस तरह देखते हैं जो नकद की कम किस्में इस तरह भी दे सकते हैं, और कभी कभी ये नकद किस्म बयान करते कौन से किस्म वाकया के नहीं है, इस तरह भी दे सकते हैं, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ मशहूर नाम भी वाकये में पड़ता है, एक है महमूद तैमूर, एक है मोहम्मद तैमूर, एक है हन्ना मीना, ये तीन चीज को याद रख दीजिए। तीन नाम हो गया ना, मोहम्मद तैमूर, उसका दो भाई, ठीक है, मोहम्मद तैमूर और महमूद तैमूर, दो भाई हो गया, और एक हन्ना मीना, हन्ना मीना, और एक अब्दुल हमीद जौदतुस्सहार, अब्दुल हमीद जौदतुस्सहार अदुनिस, अदुनिस अब्दुल मुअत्ती अल हिजाजी, अब्दुल मुअत्ती अल हिजाजी, ये क्या है वाकिया में पड़ता है, इतना ही काफी है। इतना अगर थोड़ा सा अगर याद रख दीजिएगा ना, तो इंशाल्लाह वाकिया को फर्क करने के लिए आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो वाकिया के कौन रायद है, और वाकिया किसे कहते हैं, और वाकिया के कितने किस्में हैं, और वाकिया के कितने लोग हैं, उसके थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बयान कर दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं रमजिया। रमजिया का जो यूरोप में जो इसका रायद था वो कौन है, बोदलेर, बोदलेर और मलारामिया, बोदलेर और मलारामिया। तो बोदलेर याद रखिएगा, और मलारामिया, मलारामिया और बोदलेर, बोदलेर। तो रमजिया का अब रायद आपको मिल गया। उसके बाद हम आते हैं हमारे अरबी जुबान में पहला टाइम, सबसे पहले कौन ऐसा शख्स है जिसने रमजिया का इस्तेमाल किया है, तो उसके बारे में बोला जाता है खलील जुबरान ने पहला मरतबा रमजिया का इस्तेमाल किया है। रमज का माना इशारा, रमज का माना यहा, यानी कोई चीज का इशारा करना, किसी चीज से इशारा करना, दिखाना, इशारा करना, यहा करना, इस तरह बोला जाता है, ठीक है। तो रमजिया का माना इशारा करना, और रमज का लफ्ज इस्तेमाल किया पहला मरतबा हमारे अरबी में जुबरान खलील जुबरान, ठीक है, जुबरान खलील जुबरान, ठीक है। लेकिन इसके जो रायद है, रायद बोलते हैं रमजिया का रायद, रायद कुछ दो तीन है, उनमें से आपको कुछ जो मशहूर है ना उसको याद रखना है। रायद रमजिया फी मिस्र, रायद रमजिया फी मिस्र कौन है, बिशर फारिस, बिशर फारिस, बिशर फारिस, बिशर फारिस। और लुबनान में कौन है, सईद अकल, सईद अकल, सईद अकल। और कहां बोला, लुबनान में, लुबनान में कौन है, सईद अकल, सईद अकल। अच्छा, तो रमजिया में हमको कौन कौन मिला है, तब आप देख लेते हैं। पहले तो बोदलेर और मलारामिया उसका रायद है, उसके बाद दूसरे में जो मिस्र में जो रायद है उसका बिश्र फारिस है, बिश्र फारिस। और लुबनान में सईद अकल, और पहले मरतबा इस्तेमाल किया रमज का लफ्ज वो कौन है, वो जुबरान खलील जुबरान है, ठीक है। तो उसको आपको याद करना है। उसके बाद रमजिया में और कुछ लोग मशहूर है, एक है अब्दुलरहमान शुक्री, अब्दुलरहमान शुक्री, अहमद जकी अबू शादी, अहमद जकी अबू शादी, नजर कुब्बानी, उमर अबू रिशा, ये नाम है ना आपको याद रखना है, अब्दुलरहमान शुक्री, अहमद जकी अबू शादी, नजर कुब्बानी, उमर अबू रिशा। तो शीन 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 करके आ रहा है ना, तो रमजिया याद रख दीजिएगा, अब्दुलरहमान शुक्री, अहमद जकी अबू शादी और उमर अबू रिशा, तो शीन शीन शीन, तो इसको रमजिया में याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। और वो रायद जो बिश्र फारिस और सईद अकल और जुबरान, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो रमजिया किसको कहते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं रमजिया के बारे में। तो रमजिया किसको कहते हैं, रमजिया, रमजिया बोलते हैं التعبير عن احساس دقيق وفكره عميقه, किसी चीज को बिल्कुल डीपली सोचना, इन डेप्थ, इन डेप्थ, जो केस स्टडी है ना,
जो क्या कहते हैं उसको, हम लोग रिसर्च में पढ़े थे केस स्टडी, इन डेप्थ किसी चीज को बिल्कुल डीपली सोचना, बिल्कुल उसको एकदम तह पे पहुंच जाना, बिल्कुल उसको एकदम गहराई पर पहुंच जाना, उसको कहते हैं क्या, उसको इन डेप्थ किसी को सोचने को रमजिया कहते हैं, ठीक है ना। तमसा जो तबीर अन एहसास दकीक व फिक्रत अमीकत, फिक्र अमीका बिल्कुल डीपली सोचना, किसी एहसास को बिल्कुल बारीक बीनी से सोचना, उसको कहते क्या, रमजिया। तो रमजिया का हम तारीफ भी पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो रमजिया किसको कहते हैं, रमजिया का रायद कौन है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना। अब आते हैं शेर हुर, शेर हुर, शेर हुर, शेर हुर का दूसरा नाम है शेर अतफ़ईलिया, शेर हुर का दूसरा नाम है शेर अतफ़ईलिया, शेर हुर, शेर का हुर का दूसरा नाम है शेर अतफ़ईलिया, और एक नाम आता है शेर मुरसल भी बोला जाता है इसको, शेर मुरसल भी बोला जाता है, शेर अल मुरसल, मुरसल भी बोला जाता है, शेर मुरसल भी बोला जाता है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आता है जो शेर हुर, शेर हुज़्न में क्या होता है, वो एक ही वजन और एक ही काफिया होता है उसमें, हर तरह का काफिया नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसमें उसके बारे में आ जाते हैं, उसको पहले रायद को गिना देते हैं, जो लोग बहुत मशहूर है, इसमें सिर्फ रायद ही पूछा जाता है और इसके जो मेम्बरांस है उसको भी पूछा जाता है, जो कौन कौन है, ठीक है ना। इसमें चार आदमी बहुत मशहूर है, इसमें चार आदमी को लिख लीजिए और शेर हुर आपका बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। शेर हुर में चार आदमी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एक का नाम है नाज़ अल मलाइका, जिसको रायद, रायदा कहते हैं, ठीक है ना जी। इसका कौन है, इसका रायदा कौन है, शेर हुर का, शेर हुर का, शेर का रायदा नाज़ुक अल मलाइका। तो नाज़ुक अल मलाइका आपको याद करना पड़ेगा, नाज़ुक अल मलाइका कौन है, शेर हुर का रायदा है। वो कि एक ही औरत, इसमें से एक ही आपका औरत मिली है, एक ही आपको औरत मिली है जो रायदा है। और कहाँ है शेर हुर, कहाँ से लिया है, वाकईया से अखज़ किया है, वाकईया से लिया है, वाकईया में जो जमाने के जो गम और जो जो क्या कहते हैं, गमगिन होते हैं, जमाने के जो बदहाली होते हैं, जमाने के जो क्या के बिछड़े हुए आदमी होते हैं उसके बारे में सोचते हैं, उसी तरह इस शेर में इस तरह बयान करते हैं, ठीक है ना। तो गोया के शेर हुर कहाँ से लिया है, वाकईया से लिया है, इसको हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नाज़ुक अल मलाइका हाँ, तो क्या कह रहे थे हम लोग, शेर हुर, तो नाज़ुक अल मलाइका, तो नाज़ुक अल मलाइका ये क्या कहते हैं इसको, ये कहाँ से लिया है, वाकईया से, शेर को अर्ज किया है। तो ये चीज आपको याद रख देना चाहिए, ठीक है। तो जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे नाज़ुक अल मलाइका के बारे में, उसके बारे में असल हदीस में एक उसके शेर के बारे में है, तो हम इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे। हाँ, तो नाज़ुक अल मलाइका, तो नाज़ुक अल मलाइका जो उसके किस किस शेर की वजह से उसने रायद हो गए थे, तो अल कोलेरा, 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 कोलेरा है ना, उसमें कब लिखा था, उसमें हो सकता है इस तरह पूछा जाए आपको, तो 1947 में लिखा था, 1947 में इसको लिखा था कोलेरा, कोलेरा है। और एक सवाल दे सकते हैं यहाँ से आप, उसमें भी कभी कभी चौक कर जाते हैं, जो अल कोलेरा है ना, ये किस बहर में लिखा गया है, इस तरह भी दे सकते हैं, कोलेरा किस बहर में लिखा गया है, कोलेरा लिखा गया है बहरे मुतदारिक, बहरे मुतदारिक, बहरे मुतदारिक। तो कब एक मरतब पूछा गया था, लग रहा है मैं भी मुझे याद नहीं आ रहा है, 19 में लग रहा पूछा गया था, हल्का नहुबन फी अय बहरिन, हल्का नहुबन फी अय बहरिन, तो वहां फंसा दिया गया। तो हमको ये चीज याद रखना है, जो क्या है उसका नाम, जो नाज़ुक अल मलाइका अल कोलेरा है, तो कोलेरा उसमें किस बहर में है, किस बहर में है, तो बहरे मुतदारिक, बहरे मुतदारिक, तो वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद शेर हुर में और एक बदर शाह के सयाब, बदर शाह के सयाब का नाम आता है, और उसका एक कसीदा है हल्का नहुबन, हल्का नहुबन, और उसका उस जो हल्का नहुबन किस बहर में है, बहरे रमल में है, बहरे रमल में है, बहरे रमल में है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हल्का नहुबन फिल बहरी अर रमल। उसके बाद एक और बंदा आता है अब्दुल वहाब अल बयाती,
अब्दुल वहाब बयाती, अब्दुल वहाब अल बयाती उसका एक कसीदा है, एक क्या दीवान है उसका, उसमें से एक मशहूर है मलाइका व शयातीन, मलाइका व शयातीन। कभी कभी इस तरह भी दे सकते हैं, मलाइका व शयातीन मन कतबा, मलाइका व शयातीन मन कतबा, इस तरह भी दे सकते हैं। तो उसको भी याद रख दीजिए, मलाइका व शयातीन किसने लिखा, अब्दुल वहाब अल बयाती। और जेएनयू के पीएचडी एंट्रेंस में भी इसको दिया था, मलाइका व शयातीन मन कतबा किसने लिखा था, बहुत आसान सवाल था, लेकिन उसमें हमारे बहुत सारे साथी ने उसमें गलत किए थे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अब्दुल वहाब बयाती, मलाइका व शयातीन। एक है शाज़िल ताका, चौथा नंबर कौन है, शाज़िल ताका। शाज़िल ताका क्या है, उसका जो मशहूर कसीदा है अलमसाउल अखीर, अलमसा अल अखीर, अलमसा अल अखीर, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो चार बंदा हो गए शेर और में, कौन कौन हो गए, नाज़िक अल मलाइका, बदर शाकिर सैयाब, और अब्दुल वहाब अल बयाती, और कौन है, शाज़िल ताका, शाज़िल ताका। तो शाज़िल ताका, ये चारों आदमी का नाम आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम हिफ्ज की तरह करना पड़ेगा, तभी आपको काम आएगा। अगर थोड़ा सा डाउट इधर उधर हो गया ना तो आपको काम नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको आप याद बिल्कुल सही से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। शेर हुर, और शेर हुर का क्या क्या नाम है, इस तरह भी एक मतलब सवाल दिया था, शेर हुर का दूसरा नाम क्या है, उसी तरह किरा शेख का दूसरा नाम क्या है, उसी तरह आपको यह दे सकता है कि रोमन शेख का दूसरा नाम क्या है, उस तरह उसका राय भी पूछ सकता है, इस तरह आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद मदरसतुद्दीवान, मदरसतुद्दीवान बहुत मशहूर है, ठीक है। हाँ, मदरसतुद्दीवान, मदरसतुद्दीवान ये 1921 में ये कायम हुआ था, ठीक है। तो मन अससा, तो अगर बोले जाए मन अससा तो आप बोलेंगे इसने अससा मैंने इसके जो बुनियाद डाले थे तीन आदमी ने, एक है अक्काद, एक है अब्दुल रहमान शिकरी, एक है इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़िनी, इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़िनी। और इसका जो मदरसत दीवान, इसको जमातुद दीवान ही बोलते हैं, इसको मदरसत दीवान, जमातुद दीवान, और उसको क्या कहते हैं, शोराउद दीवान, इस तरह बोल सकते हैं, दो तीन नाम इसको दे सकते हैं, मदरसत दीवान, शोराउद दीवान, जमातुद दीवान, इस तरह भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, अदीवान फिल अदबी व नक्द, अदीवानो फिल अदबी व नक्द, ये बंदा बहुत इसमें क्या कह जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नक्द नक्द किया था, ये लोग किसी को नहीं छोड़ा था, बिल्कुल इतना नक्द किया, इतना नक्द किया, शौकी को नहीं छोड़ा, हाफिज इब्राहिम को नहीं छोड़ा, मुस्तफा लुत्फी अलमंदूद को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि किसी को नहीं छोड़ा। अकद के बारे में आया है, ये बंदा है ना सेल्फ स्टडी करके इतना पढ़ लिया था, इतना पढ़ लिया था, लग रहा है उस जमाने में किसी ऐसे बंदा नहीं छोड़ा जिसने उसने नक्द किया नहीं हो, बिल्कुल उसने नक्द किया, वो किताब लिख दिया उसके बाद वो नक्द करना शुरू कर दिया। वो एक सेल्फ स्टडी में कितने ताकत है, वो एक सेल्फ स्टडी करके ज्यादा नहीं पढ़े थे, वो क्लास 5 या 6 तक पढ़े थे, उसके बाद सेल्फ स्टडी करके इतना वो कर गए, ठीक है ना। तो उसके जो मदरसा था दीवान, या दीवान फिल अदबी व नक्द, अदीवानो अदीवान फिल अदबी व नक्द, अदीवानो फिल अदबी व नक्द। और उसको क्या कहते हैं, और एक हमारे जेएनयू में भी एंट्रेंस में इस तरह दिया था, उसका दूसरा नाम क्या है, अल इत्तेजाह व दिफा अन तस्दीद फि शेर वल अदब, ठीक है, अल इत्तेजाह व दिफा अन तस्दीद फि शेर वल अदब, व शेर वल अदब, ठीक है ना, शेर वल अदब, शेर वल अदब में इसको बिल्कुल एक एक क्या कहते हैं, एक मोड़ है, एक हरका है, इसको बारे में बोला गया है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मदरसत दीवान में तीन आदमी को आपको याद करना पड़ेगा, अक्काद, अक्काद के बारे में हमारे सिलेबस में, अब्दुल रहमान शुक्री के बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, हैं? जो जौउल फज्र, जौउल फज्र जो उसको जो ये है ना, जो उसका दीवान पहला दीवान जो है ना, तो उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। उसका इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़िनी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको अगर पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक है ना, आप आसानी से पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। और एक चीज बोलते हैं, ये तीनों बंदा है ना, ये तीनों बंदा अल्लज़ीन कानु मुतअस्सिरीन बिर्रोमानसिया फिल अदब अल-इंजिलीज़ी, ठीक है, ये लोग इंजिली अदब पर ज्यादा मुतअस्सिर थे, ठीक है। तो क्या करे, दीवान फिल अदब अल्लज़ीन كانوا متاثرين الرومانسيه في الادب الانجليزي, तो अदब الانجليزي आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो तीन बंदे हैं ना, ये किस में मशहूर था, ये अदब इंजली में मशहूर था, ठीक है ना। और जब खलील मुतरम के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो किस में
फ्रांसी में मैं सोचता फ्रांस, वो फ्रांस जो वो भी है तो वो फ्रांस की जुबान पे बहुत ज्यादा वो सिखाता, ठीक है, तो उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो मदरसा मदरसा दीवान के बारे में क्या हमको याद करना है, इसको जो किसने किस किसने किस किस बंदा ने इसको तामीर में लाए थे, तो तीन बंदा याद हो गया, इस मदरसा का तीन नाम है इसको भी याद रखना पड़ेगा, और ये कब ये इसको इसके बुनियाद डाली तो उसको भी याद रखना पड़ेगा 1921, ठीक है ना, और उसको ये लोग किसमें मुतासिर थे अदबुल इंजिलीज में उसको भी याद रखना पड़ेगा। और जेनू जो सवाल दिए थे, एक सवाल अलतजा व दिफा अन तस्दीद फिशेर वाला अदब, कौन सा हरका का नाम है, तो मदरसा तो दीवान का नाम है, ठीक है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं एफालू पे, ठीक है ना, मतलब जमाते जमाते एफालू, ठीक है, जमाते एफालू, तो इसके जो मुआसिस है, इसके जो मुआसिस है, इसके जो राइद, इसके जो बुनियाद डाली गई है, ये अहमद जकी अबू शादी ने 1932 में इसकी बुनियाद डाली थी, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोग डिफरेंस कर लीजिएगा, ये बुनियाद डालना असासा या असासात अनशात, इस तरह का कलम आएगा, अनसत अहमद जकी अबू शादी या असासत असासत अहमद जकी अबू शादी, इस तरह करके भी आएगा जो कौन उसके जमात अबू लहब का बुनियाद डाले थे, तो असासा व अनशात ये इस तरह का लफ्ज आएगा। और जब उसका रईस आएगा, अमीद आएगा, और उसको क्या कहेंगे, रईस कहेंगे, अमीद कहेंगे, और उसको मुदीर कहेंगे, इस तरह कहेंगे, तो जब उसका रईस कहेंगे, अमीद कहेंगे, तो कौन आएगा, अहमद शौकी, पहला प्रेसिडेंट कौन था, अहमद शौकी, उसके बाद उसके चार दिन के बाद कौन बना था, खलील मुतरान, जमात एवलो का जो दूसरा जो ये बना था प्रेसिडेंट कौन बना था, खलील मुतरान को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके कुछ आधा यानी उसके कुछ और भी मेम्बरांस है, उससे भी सवाल देते हैं, इससे तो एक सवाल पूछता ही है, और इसमें भी बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो फंसने की जरूरत नहीं, आप पढ़िए इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से सब हो जाएगा। तो इसके बुनियाद डाले कौन, अहमद जकी अबू शादी, कितने में, 1932 में, इसके रईस कौन है, उसका प्रेसिडेंट कौन था, तो अहमद शौकी, और दूसरा कौन है, खलील मुतरान, ये याद रखना है। उसके कुछ मेंबरंस है, ठीक है, मेंबर्स कौन है, अबुल काशिम अशाबी, वहां भी रोमांसिया में अबुल काशिम अशाबी पढ़ा था, और यहाँ भी आपको अबुल काशिम अशाबी मिला है, तो इस चीज को आपको डिफरेंस कर लीजिएगा, थोड़ा फर्क कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे जो ये चीज वहां भी है और यहाँ भी है, तो अबुल काशिम अशाबी, और क्या है दूसरा नाम है, अली महमूद तोहा, उसके बाद इब्राहिम नाजी, अहमद मुहर्रम, कामिल किलानी, अब्दुल गनी हसन, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। और एक चीज, ये जमात एवलो में है ना, जो मेम्बरेंस में था ये भी था, क्या उसका नाम, नाजुक अल मलाइका, अहमद रामी, मुख्तरुल वकील, इस तरह करके आपको याद रखना पड़ेगा। तो कितने बंदा हो गए, इसके जो मेंबरेंस यानी इसके जो आधा में से है, इसके जो आधा का शुमार किया जाता है या मेंबरेंस को शुमार किया जाता है, कौन कहे, अबुल काशिम अशाबी, अली महमूद तोहा, इब्राहिम नाजी, अहमद मुहर्रम, कामिल किलानी, अब्दुल गनी हसन, और नाजुक अल मलाइका, अहमद रामी, मुख्तरुल वकील, सालेह जौदा, इतना ही काफी है। इतना अगर याद रख देंगे ना, इंशाल्लाह आपको फर्क नजर आएगा, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको लगा लेंगे, ठीक है ना। तो जमाते अबुलू एबलू कहाँ ये कायम हुआ था जानते हैं, काहिरा में, जमात एबलू कहाँ कायम हुआ था, काहिरा में, मदरसा दीवान कहाँ वाकई हुआ था, काहिरा में, मतलब कहाँ ये उसका बुनियाद डालता है, काहिरा में। तो गोया के दो चीज आपको काहिरा में मिल गया, कहाँ से, मदरसा दीवान और जमात एबलू, तो जमात दीवान और मदरसा एबलू, ये दोनों कहाँ, काहिरा में इसको बुनियाद डाली गई थी, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना, और जितने अच्छी तरीके से याद करेंगे आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं अर्राबित अल कलमिया, इसके जो बुनियाद अस्सस मन अस्सस, किसने बुनियाद डाली थी अर्राबित अल कलमिया, तो जुबरान खलील ने इसको इसकी बुनियाद डाले थे, ठीक है ना। तो कितने हिजरी में, 1920 में अमरीका शिमालिया, यहाँ देते हैं अमेरिका शिमालिया, अमेरिका जुनूबिया, तो अमेरिका शिमालिया, अमेरिका जुनूबिया, ये दोनों चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। तो शिमालिया में अराबितुल कलामिया और असबतुल अंदलुसिया, ये है
अल जुनूबिया, अमरीकी अल जुनूबिया, तो इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इससे आपको पता चल जाएगा। तो राबितुल कलामिया ये कितने साल तक रहे, यानी 20 साल से स्टेट हुआ और वहां से शुरू होकर 21 में जब जुबरान खलील जुबरान का इंतकाल हो गया तो ये खत्म हो गया। गोया के 11 साल तक राबितुल कलामिया चला। तो आपको बोल सकते कम कम सनतन इस्तमरत अर्राबितुल कलामिया, इस तरह करके दे सकते हैं। हाँ, इस तरह करके देते हैं, मन अससत अर्राबितुल कलामिया, किसने राबितुल कलामिया का बुनियाद डाले थे, इस तरह भी दे सकते हैं। तो उसको याद रखते हैं, कहाँ उसको बुनियाद डाले थे, इस तरह करके बोल सकते हैं। तो उसको भी याद रख दीजिएगा, कितने ईस्वी में, तो 1920 में, कहाँ, अमेरिका शिमालिया में, कौन, जुबरान खलील जुबरान, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। उनमें से दो बंदे बहुत मशहूर है राबितुल कलामिया में, इसके अलावा जुबरान खलील जुबरान के अलावा वो तो अमीर है, वो तो रईस है, वो तो बुनियाद डालने में से है, तो उसके और भी कुछ अरकान है, उसके बहुत ज्यादा मेम्बरेंस है। तो मेम्बरेंस में से दो तो बहुत मशहूर है, एक का नाम है मिखाइल नुआइमा। मिखाइल नुआइमा ने राबितुल कलामिया का क्या बनाया था जानते हैं, ये कानून बनाया था और ये क्या मुस्तशारन भी था, गोया के ये एडवाइजरी भी था, ठीक है ना, जो राबितुल में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, इस तरह करके दिया था। गोया के इन्हों का नाम मुस्तशारन वजअला दस्तूरन व कानूनन, इस तरह बोल सकते हैं, इसने दस्तूर बनाया था, कानून बनाया था और ये एडवाइजर भी था, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, मिखाइल नुआइमा, तो बड़े आदमी में से एक मिखाइल नुआइमा हो गया। और दूसरा है विलियम कैथिस प्लेस, विलियम कैथिस प्लेस क्या था, वो खाजिन था, खाजिन, इन्नहु काना खाजिनन, इन्नहु काना खाजिनन, वो खाजिन था, यानी वो क्या था, जितने जो बैलेंस आता था उसके वो रखवाला था। तो इसको आपको विलियम कैथिस प्लेस के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये कौन था, खाजिन था, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें राबितुल कलाम में टोटल, यानी इसमें टोटल बंदे कितने हैं, 10 हैं। 10 में से 3 बंदे बहुत मशहूर है, एक है जुबरान खलील जुबरान, एक है मिखाइल नुआइमा, एक है विलियम कैथिस प्लेस, ठीक है, विलियम कैथिस प्लेस। इसके अलावा 7 बंदे हैं, इसके अलावा 7 बंदे हैं, इसको क्या कहा जाता है जानते हैं, इसके अलावा उसको उम्माल बोलते हैं, ठीक है, इसको इसका नाम है उम्माल, उम्माल, ये 7 को उम्माल बोलते हैं। वो 7 कौन कौन है, थोड़ा सा याद कर लीजिए, उसका आधा मेंबर इलिया अबू माजी, नुदरत हद्दाद, रशीद अय्यूब, नसीब उराइजा, अब्दुल मसीह हद्दाद, वादी बाहूद, इलियास अताउल्लाह, इतना ही काफी है। अगर 10 आदमी के बारे में अगर थोड़ा सा जान लेंगे ना, और इसके बारे में इतना ही अगर जान लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका सवाल हल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आखिरी मरहल में पहुंच चुके हैं हम लोग, असबा अल-उंदलुसिया, वहां इस तरह सवाल दे सकते हैं, मन असबा अल-उंदलुसिया, किसने डाला था, मिशाल मालू को आपको याद करना पड़ेगा। तो कब बना था ये, 1933, कहाँ बना था, जुनूब अमरीका, सान बोलो बिल ब्राजील, ठीक है ना। तो आपको जुनूब अमरीका याद रखना पड़ेगा और सान बोलो ब्राजील, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो असबातुल अंदलुसिया का मुआसिस कौन हुआ था, मिशाल मालू। यहाँ और एक सवाल दे सकते हैं, जो असबातुल अंदलुसिया, इसका जो थिंकिंग किसने दिया था, जो असबातुल अंदलुसिया बनाया जाए, इसका थिंकिंग किसने दिया था, तो शुक्रुल अल-जर ने इसका जो थिंकिंग दिया था, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें रखना, वो किसने बुनियाद डाला था, मिशाल मालूफ। और एक सवाल में दिया था कि मिशाल मालूफ कितने दिन तक उसका क्या बना था, ये बना था, मतलब रईस बना था। तो मैं 2-3 किताब पढ़ा हूँ, तो उनमें से 6 साल ही मिलता है मुझे, लेकिन एक मरतबा 1918 या 19 के सवाल में एक मरतबा दिया था कि यूजीसी वाले सही किया है, उसे 10 साल दिए है, मैंने 10 साल तक उसे रहे, यानी उसे 1933 से लेकर 42 उसका मतलब उसका जो 1942 में मरा है वहां तक उसे दिया है। तो गोया के उसके 10 साल उस तरह देखते हैं, लेकिन उस तरह नहीं, बल्कि 6 साल ज्यादा अच्छा है और ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अफजल 6 साल है, ठीक है ना। इस तरह की किताब में भी आया है, ठीक है ना। तो उसने रईस रहा कितने साल, 6 साल तक। तो 6 साल आपको याद रखना पड़ेगा। इस थिंकिंग को किसने दिया, शुक्रुल अल-जर।
और इसके अमीन सुंदूक कौन है इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अमीन सुंदूक है यूसुफ शाबी, यूसुफ शाबी ने इसको अमीन सुंदूक बोला जाता है, ठीक है। अमीन सुंदूक इसका जो माल जाल, इसका जो फंड आता था, इसको फंड के रखवाला कौन था, यूसुफ शाबी, यूसुफ शाबी। और इसका अमीन सिर सीक्रेट जो ये है क्या कह रहे हैं उसको अमीन सिर बोलते हैं, वो कौन था, वो नजीर जैतून था, नजीर जैतून था, नजीर जैतून। उसके बाद आते हैं, इसके बाद इसके दूसरा जो रईस, इसका जो दूसरा जो ये जब मर गया तो दूसरा जो बंदा इसका ये हुआ रईस हुआ था, कौन था वो, रशीद सलीम अल खोरी, रशीद सलीम अल खोरी, रशीद सलीम खोरी। रशीद सलीम के बाद फिर शफीक मालू, शफीक मालू, शफीक मालू, उसके बाद फिर इलियास फरहाद, चार आदमी, यहाँ तक के 57 में जाकर वो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो असमतिया का कौन तासीस डाला था, कौन पहला रईस है, उसके बाद दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कौन है, मिशाल मालू, दूसरा कौन है, रशीद सलीम अल खोरी, तीसरा कौन है, शफीक मालू, चौथा कौन है, इलियास फरहाद। ये इतना तो काफी हो गया। असमतुल्लाह से कब बना था, 1933, कब कहाँ बना था, जुनूब अमरीका, सान बोल बिल ब्राजील, यहाँ तक के आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इस थीकी को कितने दिया, शुक्रुल्लाह अलजार। उसके बाद फिर कह रहे हैं अमीन सिर कौन था इस असमतुल्लाह का, तो नजीर जैतून, और उसका जो फंड का मालिक कौन था, तो यूसुफ शाबी। इतना आप याद रख देंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरा सवाल हल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 5-6 सवाल, 7 सवाल देते हैं, कभी 6 सवाल देते हैं, आपको पूरा इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे और जे अरब से आप बिल्कुल मालामाल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम यही तक खत्म करते हैं, ठीक है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर कोई आप लोग का सवाल है ना तो कर सकते हैं इंशाल्लाह, हमें यही तक खत्म कर देंगे। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी बोल रहे सर, कभी कभी तो सवाल ही अरबी में रहता है तो समझ में नहीं आता है, तो उस सवाल को कैसे हल करेंगे। अच्छा देखिए, हम आपके लिए कल 6-7 टिप्स लाएंगे, ठीक है ना। किस तरह आपको, असल में क्या जानते हैं, यूजीसी वाले ज्यादा नहीं पूछते हैं, वही जो सवाल बनाने वाला सेगा है ना, उसी का हम कल लिख के लेके आ गएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको, आप लोग को उसको दे देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह सवाल बनता है, इस तरह सवाल, ठीक है ना। कभी कभी इस तरह से मन का तबा, कभी कभी मन अससा, कभी कभी देते हैं सेह, और कभी कभी अख्ता, कभी शाज, इस तरह का जो लग जाता है ना, तो 10-12 जो अल्फाज है ना, इसको आप लोग को बोल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर कोई भी सवाल आएगा तब बिल्कुल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ओके सर, और कोई सवाल, आप लोग को ये सब क्लियर हो रहा है ना। जी सर बिल्कुल क्लियर होता है, और आप बोलने के दरमियान में अगर बोलने के जो तकलीफ होती है उसके दरमियान और 5 मिनट के अंदर अगर कुछ हमसे पूछ ले तो ज्यादा से ज्यादा वो याद भी रहता है हमको कि इसमें ये गलती हो गई तो ये पूछ लेंगे, और आखिर में सब जोड़ करके वो याद नहीं रहता है, फिर भी देखना पड़ता है। हाँ सर, आप एक सब यूनिट सर, एक सब यूनिट खत्म करने के बाद आप 5 मिनट पूछने के तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो आप लास्ट में अंत में वो सब कुछ याद नहीं है। अच्छा अच्छा, तो हम ये कर सकते हैं आप लोगों के लिए, है ना, जो हम जिस यूनिट को पढ़ाएंगे उस यूनिट के मुताबिक 10 सवाल बना देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पूछेंगे आप ये वाला क्या है, इस तरह भी पूछ सकते हैं ना। जी वो भी आप पूछ सकते हैं, और आप जब कहते हैं ना तो इतने देर तक बोलते हैं तो आपको ज्यादा तकलीफ तो होती है, तो उसके दरमियान अगर अलग अलग से पूछ लेते तो। अच्छा आप लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो थोड़ा आप लोग वो सवाल लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जो सवाल आपके दिल में आता है ये सवाल पूछना चाहिए, ठीक है ना, उसको अपने कॉपी में लिख लिया,
उसके बाद फिर आखिर में पूछ लेंगे यहाँ सर इसको क्या किस तरह हम ये करेंगे, हल करेंगे, या इसका जॉब किस तरह होगा, या किस तरह बन सकता है, इस तरह पूछ सकते हैं, ठीक है ना जी। असल में बीच बीच में जब पूछना शुरू कर देते हैं तो थोड़ा जो माइंड बना रहता है ना वो थोड़ा सा ये हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो जब पढ़ाना शुरू करता हूँ इसलिए कभी ज्वाइन हो जाता है, कभी एडमिट करो ये करो, वो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो तब भी अच्छा ना लगे तब भी करना पड़ता है। आपने ठीक कहा सर, ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा ना, मतलब कल देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप ही को लेके तो नहीं है, बिल्कुल ये तो सब आप ही लोग ले कर रहे हैं, वही भी किसी तरह के भी प्रॉब्लम है सर, किसी तरह का भी प्रॉब्लम है ना। बदिर तकीबा सैयब का कशीदा का नाम क्या है? हलकाना हुब्बन, हलकाना हुब्बन बहरे रमल में है, ठीक है ना, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। मैं सर बाहर कब पढ़ाइएगा आप लोग? हाँ बाहर जब बाहर आएगा तब इंशाल्लाह, असर वो जब बालागा आएगा ना तब पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सर एक सवाल याद आया, उस वक्त पूछना था मुझे तो अब याद आ गया, तो वो अल क्लासिकिया जो है और क्लासिकिया जदीदा, तो दोनों का रायत एक ही होगा या अलग होगा? एक ही, महमूद समी अल बागा, महमूद समी अल बागा, उसी को क्लासिकिया अल जदीदा के नाम भी जाना जाता है, तैयार और महाफिजन के नाम जाना जाता है, और उसका दूसरा नाम, हाँ दूसरा नाम, ठीक है ना, उसको तीन चार नाम बताया इसलिए मैं, हाँ तीन चार पांच नाम बता दे, असल में वो चीज जब याद रहता है ना तो सब खुल के बता देते हैं, तो वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा जी सर। थैंक यू। अच्छा अभी इंशाल्लाह यहीं से खत्म करते हैं, आप लोग बिल्कुल तन मन धन के साथ पढ़िए, और इंशाल्लाह आप लोग को बिल्कुल जीआरएफ को एकदम लेना ही लेना है, ये वो जो एक है ना अभी जो एक जेएनयू से जो लड़की अभी जेएनयू नहीं गई है, और पीएचडी के बारे में जो सवाल था वो क्लियर नहीं हुआ, तो सर उसके बारे में अगर थोड़ी सी वजाहत कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी जी सर। ओ किसके बारे में? पीएचडी के बारे में, पीएचडी के बारे में मुझे, यस सर, अच्छा ठीक है ओके, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एक सवाल पूछा था, बहुत आसान सवाल था, मन कतबा क्या है वो, मलाइका व शयातीन, मन कतबा मलाइका व शयातीन, लेकिन बहुत आसान था, बहुत आसान से पूछा था, लेकिन उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट उसको क्या है कि मलाइका शयातीन कौन लिखा है, उसके बारे में फंस गए, उसके बहुत सारे मेरे साथी भी था ना जो बिल्कुल उसी में फंस के रह गए थे, अरे मलाइका शयातीन कौन लिखा भाई, कौन लिखा मलाइका, मलाइका करते करते खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, उसके बाद नहीं लिख पाए, उसमें डाउट करके आए थे, तो उस तरह एक सवाल दिया था। दूसरा सवाल ये भी दिया था मदरसा तो दीवान, मदरसा तो दीवान के बारे में दिया था, अल इत्तेजाह व दिफा, अल इत्तेजाह अद दिफा अन तजदीद, अद दिफाउ अन तजदीद फि शेर वल अदब, इस कौन से हरका का नाम बोला जाता है, मदरसा तो दीवान का बोला जाता है, ठीक है ना, मदरसा तो दीवान का दूसरा नाम ले लीजिए, जे अल इत्तेजाह व दिफा अन तजदीद फि शेर वल अदब, ठीक है ना, ये सवाल दिया, और ऊपर से तो हर सवाल देते हैं, नाजुक मलाइका कितनी बार पूछते हैं, और कभी वाकिया के बारे में पूछते हैं, कभी इखलास के बारे में पूछते हैं, जमात अबुल अकलों के बारे में पूछते हैं, उसके बाद तो रबतुल कलामिया के बारे में तो पूछते ही है, क्या कहेंगे, ये तो क्या कहेंगे, ये सवाल तो बिल्कुल आपको छह सात सवाल इससे मिल जाएगा इंशाल्लाह। सर इतना तो हम पढ़ते हैं लेकिन फायदा तो कुछ बता देना चाहिए, अगर कोई चाहे सर, आई वांट टू से अगर कोई चाहे तो एक साल में पीएचडी कंप्लीट कर सकता है, इसका मतलब आप जैसे फरमा रहे थे एक साल के अंदर पीएचडी नहीं कर सकता है, मतलब दो साल, एक साल तो लग जाता है जैसा कि आपने कहा, ढाई साल, ढाई साल, ढाई साल, लेकिन अभी तक उस तरह करके नहीं हुआ है अभी तक, मतलब हिस्टोरी में। सर पीएचडी का जो एग्जाम होता है उसमें लिखित एग्जाम कैसे होता है, मतलब मजमून लिखना रहता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है? जिस तरह का आप लोग यूजीसी का जो एग्जाम देता है ना, यूजीसी नेट का, ठीक है, जी जी, सेम
पैटर्न फैलता है, ठीक है ना। तो लेकिन वहां सर डीपली पूछा जाता है, हमारे जेएनयू में क्या पूछते हैं जानते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन यूजीसी में क्या सिलेबस, ये 10 यूनिट से आएंगे, ठीक है ना, ये सवाल 10 यूनिट ही के अंदर से आएंगे। लेकिन उस तरह नहीं, इनका एग्जाम क्या है, शुरू से लेकर आखिर तक कहीं भी पूछ सकते हैं इस तरह। इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा बहुत परेशान हो जाते हैं और नंबर भी बहुत कम आता है, ठीक है ना। और जेएनयू वाले थोड़ा फिलोसॉफिकल सवाल पूछते हैं, सवाल उसी में रहता है, जॉब उसी में रहता है, आपको थोड़ा इधर से कान नहीं पकड़ करके इधर से कान पकड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे 2-3 प्रोफेसर है बहुत ज्यादा ये है, देखिए प्रोफेसर मुजीबुर रहमान और एक प्रोफेसर है इस्लाही साहब, बहुत ज्यादा ये था। तो वो लोग क्या जानते हैं, आपको सवाल बनाएंगे लेकिन वही सवाल घुमा करके पूछेंगे, ठीक है, वो सवाल सब जानते हैं लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछेंगे। तो उस तरह करके चीज को आपको याद करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह आप लोग जब आएंगे ना इंट्रेंस के लिए, तो हम इंशाल्लाह आप लोग को हेल्प करेंगे, ठीक है, किस तरह सवाल बनता है, किस तरह सवाल देते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह आप लोग को जितना हो सके। लिखित एग्जाम होता है या कंप्यूटर पे? हाँ कंप्यूटर पे, इसी तरह कंप्यूटर पे, जिस तरह यूजीसी में देते हैं ना भाई, उसी तरह। और उसके बाद फिर इंटरव्यू, इसके लिए कंप्यूटर का इल्म होना फिर बहुत जरूरी है। हाँ जी, अब प्रोफेसर बनेंगे तो कंप्यूटर का इल्म होना ही चाहिए, थोड़ा सा मतलब तो बेसिकली जो बेसिक चीजें है ना उसको आप। तो ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर आप मिलते हैं और इंशाल्लाह कल फिर पढ़ाएंगे। बहुत आप लोगों के बहुत बिल्कुल तन मन धन ला पढ़िए, बहुत आप लोगों को टाइम मिल गया है और आपको जीआरएफ निकलने के लिए मौका मिल गया है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल सही से आपको पढ़ना पड़ेगा और चीज़ को बिल्कुल जहन में बैठा लीजिए एकदम, और दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, कोई भी सवाल आए आपको, हाँ ये पढ़े इस तरह, ठीक इस तरह लगा दें, शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल, उसमें सशपन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आप जब भी देखेंगे हाँ ये सवाल 100% में जाता है, हाँ कर दिया, इस तरह होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अख्तरी बिहार दिल कलेमा, अभी जो क्लास हो रहा है ये YouTube में वीडियो मिल जाएगा क्या? YouTube में अच्छा अजीम भाई को पूछते हैं, उसको बोले हैं थोड़ा देखिएगा आप, उसके बाद फिर हाँ, वो तो कह रहे हैं मिल जाता है। हाँ हाँ, कल खत्म किया उसके बाद भी मिल गया इस ऐप के रिसोर्स में आपको मिल जाएगा, इस ऐप के रिसोर्स ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो और आप लोग बढ़िया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, सही से पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज्यादा इसमें नंबर लाएंगे, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मुबारकबाद शुक्रिया।